तो आपके पास क्या हुआ, आपको पता है कि मैंने क्या करना है, पहले से बाउंड्रीज पता है। देखिए खुल गया नीचे, नीचे रूल के अकॉर्डिंग इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर चल रहे हैं। ये देखिए थोड़ा बहुत नीचे आके कहीं से सपोर्ट लेके जाएगा। हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, मैं इसको एकदम शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। कोई एक स्टॉक आप चाहो तो इसके बायर सेलर चेक करो, बायर सेलर क्या बोल रहे हैं। ये देखिए एक स्टॉक भी आपको, ये देखिए नहीं जा रहा है नीचे, नहीं जाता। क्यों नहीं जाएगा नीचे, जा सकता था नीचे मगर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा नीचे। ये देखिए बायर बढ़ गए, यहां से अगर आप एक स्टॉक भी ले लेंगे तो एक स्टॉक भी आपको फायदा कर जाएगा। देखिए एक स्टॉक पे मैंने यहां पर स्टॉप लॉस रख दिया 16666 पे। देखिए चल रहा है अभी, एक स्टॉक पे मैंने आपको लेके दिखाया 16666 पे, मैंने इसको 16666 राइट, मैंने एक का स्टॉप लॉस रख लिया, ये असल मैंने रख लिया। देखिए मेरे को चल रहा है ये लॉस, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है, मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है क्योंकि यहां पर सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है, जाने देते हैं, देखते हैं जो भी लॉस फायदा देगा वो अलग चीज है, ये तो सिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं खाली बस। देन हमने अपना डिफाइन कर दिया कि हमारा कितना ऊपर जा सकता है ये, अब देखते हैं क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर है तो इसके ज्यादा चांसेस है कि ये ऊपर को निकल जाए। ओके अब देखना है हमें कहां तक जाएगा, कितना हमें लॉस या फायदा देखे जा सकता है। ये देखिए अभी 8 रुपए का नुकसान चल रहा है मेरे को, राइट, और मैं इसे कम से कम यहां तक रखूंगा 781 तक, देखते मैं इसे एग्जिट करूंगा 781 पर, 781 देखते हैं, आपके सामने मैं इसको चला रहा हूं, ठीक है 781 के आसपास तक मैं इसको लेके जाऊंगा। बड़ा स्टॉक है ना ये, यस सर, जब बड़ा स्टॉक होगा तो बड़ा स्टॉक आपको क्या करेगा, नुकसान फायदा बड़ी जल्दी जल्दी देगा क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ। ये देखिए इसके देखिए आपके बायर सेलर में फर्क है अभी थोड़ा सा, तो ऐसी जगह पर आप अपना फायदा नुकसान निकाल सकते हैं। हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको रखा है, राइट और रॉन्ग, मैंने इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा है और 54 ज्यादा नहीं लेते, इसको मैं 60 में निकाल दूंगा, देखते हैं 60 अगर निकल जाएगा तो, ज्यादा नहीं रखता मैं इसको, ठीक है। ये देखिए दे दिया आपको इसने 65 70 80 पे हमने रखा हुआ है, देखिए 65 चल रहा है, यस सर, 71 74 चलता जा रहा है, ठीक है। हमने इसको सेल नहीं किया, क्यों नहीं किया, 73 अब एक ऑर्डर मेरे को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर मेरे को ले गया, अभी चल रहा है ये, और देखिए 4 रुपीज पर है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मेरे को 781 पे जो मैंने हटाया हुआ है इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए अभी गया नहीं है, ये मेरे को 15 रुपीज का 65 पे दे रहा है, तो मैं 65 पे सपोज इसको हटा देता हूं, ये देखिए मैंने हटा दिया, डन डन। मैंने क्यों नहीं लिया इसको, देखिए मैंने सेलिंग नहीं ली जबकि सेलिंग थी, रीजन क्या था केवल सेलिंग नहीं लेने का, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर है, राइट, केवल इस रीजन से मैंने इसको नहीं लिया। ये देखिए भले ही आपको 15 रुपए मिले, कितने स्टॉक पे मिल गए, 15 रुपए एक स्टॉक पे, यस, ये बड़े स्टॉक का फायदा होता है, बड़े स्टॉक को अगर आपने एक भी ले लिया ना वो भी आपको फायदा दे जाएगा। आप छोटा स्टॉक अगर मैंने इसकी जगह ले लिया होता 1%, अगर मैंने इसकी जगह छोटा स्टॉक ले लिया होता तो छोटा स्टॉक मेरे को क्या करता, मेरे को फायदा जरूर देता, लेकिन अगर छोटे स्टॉक के मैं 5 स्टॉक भी लेता तो 15 रुपए के लिए मेरे को 3 रुपीज का मूवमेंट चाहिए था कि नहीं, यस सर, मतलब मेरे को टाइम लगता, लेकिन चूंकि बड़ा लिया, हालांकि मेरा कुछ नहीं निकलेगा उसमें, 15 रुपए तो मेरी ब्रोकरेज आ जाएगा ज्यादा ही ले लेगा ब्रोकरेज मेरे से, पर फिर भी आप मतलब ऐसे एक सिस्टम है, खाली एक सिस्टम पे मैं चल रहा हूं। अभी देखिए आपके पास नेशनल इंडिया एक बाय की तरफ आ रहा है और मैं इसको 5 मिनट में देख रहा हूं, ये देखिए 5 मिनट में एक बाय की तरफ चल रहा है, ये देख रहे हैं, ये 8 हो गए, यहां से आप बाय करके इसका 25.8 देख लेते हैं अगर देगा तो, लेकिन अभी मैं इसको पहले देख लूं आराम से। ये देखिए
एक सिस्टम है, इसके ऊपर अगर रुकेगा तो ये बहुत अच्छा आपका बाय लेके जाएगा। आप देखिए यहां से आपको 25 पर एक बाय मिल सकती है, मैं देख लेता हूं पहले, ये मैंने बाय पकड़ी है इसकी, ठीक है, देख लेते हैं। नुकसान देके जा सकता है, देखिए आपको ऐसा नहीं है नुकसान नहीं देके जा सकता, नुकसान देके जा सकता है आराम से ये, लेकिन एक जगह पर है, अगर ये जाएगा ऊपर तो आपको एक फायदा भी देके जाएगा। लेकिन नेस्ले इंडिया चल रहा है ऊपर, 6 और 8 का फर्क है इसका, 55 उतना इसको जगह पे जाना है, अगर ये जाएगा तो आपको नुकसान फायदा देके जाएगा। देखिए एक जगह पे आ रहा है, देखिए 767 देखिए नीचे आ रहा है, 450 का नुकसान भी दिखा रहा है, ये आपको वेट करना है, इसके नीचे मैं हट जाऊंगा, 741 के आसपास मेरे को हट जाना चाहिए, देखिए 41 से मेरे को हट जाना चाहिए, ये 41 है, अगर इससे नीचे जाएगा तो मैं इसको हट जाऊंगा, ये देखिए आ गया 41। अब ज्यादा नहीं रखना, ज्यादा रखेंगे तो आपको नुकसान रहेगा, देख रहे राइट और रॉन्ग, ज्यादा आपको रखना नहीं होता। मैंने हटा दिया, देखिए नुकसान पे भी हटा दिया मैंने इसको, एक जगह थी जहां पर बाय हो सकता था मगर वो नहीं दिया मेरे को बाय उसने। कभी भी उस जगह पर, ऐसी जगह पर रुकना नहीं है जहां पर आपको स्टॉक नुकसान भी देते। देखिए एक जगह पर आया था ये, एक छोटा स्टॉक, देखिए मैंने इसके 25 स्टॉक लिए थे, 25 स्टॉक ने मेरे को कितना नुकसान दिया, यस कितना नुकसान दे गया, 25 स्टॉक भी कितना देके चला गया, क्यों साई जी 800 एक ज्यादा ही 300 के आसपास कितना देके गया देख लेता हूं मैं, 300 नुकसान दे गया, मतलब 25 स्टॉक्स भी आपको नुकसान दे सकते हैं। पहली बार समझिए, हम क्या बोलते हैं, हमारा कंसेप्ट क्या होता है, हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो स्टॉक हमें क्या करेगा कि अगर हम उसको रखेंगे, है ना, अगर आपने एक स्टॉक लिया तो क्या आपको नुकसान पड़ा बताइए, कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको ये दिखाया कि देखिए एक स्टॉक भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, और 25 स्टॉक भी आपको लॉस दे सकते हैं बड़ा, राइट और रॉन्ग, 25 स्टॉक भी आपको एक बड़ा लॉस दे सकते हैं। अब 25 स्टॉक में मेरे को कितने का लॉस दीजिए, 300 क्यों दिया इसने मेरे को लॉस, ये देखिए इसने दिया क्योंकि ये स्टॉक एक बड़ा स्टॉक है, राइट बड़ा स्टॉक है। अब ये बड़ा स्टॉक अगर एकदम से, मैं तो सोचता हूँ छोटा है, सपोज 200 का स्टॉक है, ये कितने पॉइंट मूव करेगा, मुश्किल से 5 या 10। लेकिन जो बड़ा स्टॉक है, जो 16,000 का स्टॉक है, ये स्टॉक एकदम से मूव करेगा 100-200, तो आपको फायदे नुकसान भी बड़े कर देगा, ठीक है। अब ये देखिए मेरे को नुकसान हुआ, ये नुकसान चल रहा है, और मैं इसको जो है एक जगह ढूंढूंगा इसकी, फिर से एक बाय के लिए लूंगा मैं यहां पर। अब देखते हैं आपका बाय कहां से मिलती है मेरे को, मैं इसको बाय को रख लूंगा अराउंड 2000 का लॉस के साथ में, मैं इसको रखूंगा अभी, अगर देखता हूं मेरा कहां तक जाता है, इसको मेरे को कवर भी करना है, राइट और रॉन्ग भैया, ऐसा ना लॉस को छोड़ देंगे लॉस को छोड़ना है, इसको आपको रखना है। ये देखिए मैंने रख लिया है इसको, 25 स्टॉक्स मैंने इसके रख लिए हैं, और इसके नीचे मैंने 721 पे बड़ा मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूं, कट सकता है मेरा, और मैंने यहां पर एसएल कर दिया 20 का कर देते, मतलब अराउंड मेरे को अब की बार जो लॉस जा सकता है वो 2000 का लॉस बन सकता है मेरा, राइट अराउंड राइट, मैंने इसको रख लिया बस, खाली आ सकता है काट देगा मेरे, और अब मैं चेक करने की कोशिश करता हूं मार्केट कर क्या रहा है इसका। यस क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको, यस क्या दिखाई दे रहा है इस समय, ये मूवी एवरेज के पास में है, सही जगह है इसकी, सेल की जगह नहीं है इसकी, सेल की जगह नहीं है यहां पर, बाय की जगह है इसकी, अगर ये बाय में जाएगा तो ये यहां तक जा सकता है, 870 तक जा सकता है, ठीक है। देखते हैं इसको छोड़ देते हैं करने के लिए, ज्यादा नहीं इसके साथ टेंशन करेंगे, 2721 में आपको काट देगा नीचे आएगा तो ये देख लेता हूं मैं और हटा देंगे इसको। इसका जो अगर लॉस होगा तो हम किससे कवर करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी से कवर करेंगे, बैंक निफ्टी है। अगर ये मेरे को लॉस जाएगा, देखिए 1800 का इसने मेरे को लॉस दिया, और ये लॉस हम किससे कवर करेंगे, ये लॉस कवर करेंगे हम बैंक निफ्टी से, अगर वहां से जाएगा तो हम बैंक निफ्टी से इसको कवर कर लेंगे। 21 पे मेरे को हटा देगा ये, 21 अराउंड कहां पर आता है, यहां पर नहीं, ये आता है यहां पर, ठीक है चलने देते हैं।
25, यहां से एक डिप मार सकता है वापस ये नीचे की तरफ आएगा, इसे हटा देना आप सही है क्योंकि इसने आपका स्टॉप लॉस काटा नहीं है, देख रहे हैं इसने आपका स्टॉप लॉस ही नहीं काटा। ऐसा भी कभी कभी होगा, ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस काटा ही नहीं है। जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनमें ये भी एक इश्यू होता है कि वो स्टॉप लॉस ही नहीं काटता, राइट, एकदम से वो होते ना सर। नहीं एक्चुअली पता है क्या होता है, इनकी गलती नहीं होती है, गलती नहीं होती है ये, ठीक है। अब हाँ इनकी गलती नहीं होती है यहाँ पर, इनकी दिक्कत इसमें क्या होती है कि एक मिनट में इसको देख लेता हूँ, पहले वन डे में क्या कर रही है। नहीं सपोर्ट पे ही है अभी, डाउन पे नहीं आया, ये सपोर्ट पर ही है, जाएगा ऊपर ये भी। अभी देखो असल में हो क्या रहा है, देखो इसने 200 के ऊपर सपोर्ट ले रही, कोशिश कर रही है इसने, गलती हमारी है, अपनी खुद की गलती है, गलती समझ लेनी चाहिए, हमने थोड़ी जल्दी करी। ये देखिए 200 के ऊपर सपोर्ट ले रहा था ये, यस उसको ऊपर हमने इसके ऊपर हमें लेना चाहिए था, हमने थोड़ा नीचे ले लिया इसको, यस सर, राइट। और यहां से रिजेक्शन लेके वापस आ रहा है, लेकिन अभी सेलिंग पर नहीं आया क्योंकि अभी भी इसके ऊपर है ये, यस अभी भी इसके ऊपर है, तो हम अपना लॉस भी तो कवर कर लें। अपन जरा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी हमें क्या कर रहा है जिससे हम अपना लॉस भी तो कवर करें। नहीं बैंक निफ्टी अभी जगह पर नहीं है, इसको लेके हमें फायदा नहीं है। मैं इसको बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों एक बार लगा लेता हूं, देखता हूं कर क्या रहे हैं। एक जगह पर नहीं है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों यहां से गिर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी ट्रेंड लाइन लगाएंगे, बड़े जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये देखिए दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं बताएं जरा, सपोर्ट ले रहे थे, सपोर्ट ले रहे हैं। अब जरा मैं इसके यहां से हटा देता हूं और मैं दूसरे एमए न्यू करके लगा देता हूं, ये मेरे पास एक सेटअप है, इसको मैं लगाने की कोशिश करता हूं और इसको मैं कम से कम एक घंटे में इसको भी और इसको भी लगाता हूं, देखते हैं एक घंटे में क्या बोल रहा है। इसको 5 मिनट में भी देख लेते हैं क्या कर रहा है ये, और फिर चलेंगे इसके साथ में आगे कि आपको कहां रखना है। बैंक निफ्टी देखिए आ रहा है नीचे की तरफ, चल रही है, और यहां से नेस्ले इंडिया जो है वो भी सेलिंग लेगा, एक यहां से एक सेलिंग पकड़ सकता है इसका। कितने पर आ गया देखिए, 684 पर, और हमने इसे कहां पर निकाला, 720। अब इसका मूवमेंट आप चेक कर रहे हो, इसका मूवमेंट जरा चेक करो, इसका मूवमेंट कितना तेजी से आया ये समझिए, कितना मूवमेंट कर दिया इसने। यहां ओपन किया था 727 पे, 727 से 784, राइट, यस सर, और फिर 784 से और 655, 100 रुपीज सर, 100 रुपीज ऊपर नीचे हो गया, ग्राम ग्राम हो गया, इसका मतलब ये सेकेंड्स में ऊपर नीचे हो सकता है, राइट, यस सर, इसका मतलब एकदम से हम इसे बाय सेल नहीं कर सकते। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनको एकदम से बाय सेल नहीं करना है, आपको नुकसान दे सकते हैं वो कभी भी, भाई ये हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं, हम ये देखिए चल रहा है अभी ये सेलिंग की तरफ आ रहा है, अभी वेट कर रहा हूं मैं, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम इसका नुकसान यहां से नहीं पूरा करेंगे, हम इसका नुकसान कहां से पूरा करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी से, मैं उससे नुकसान पूरा नहीं कर सकता, यहां से ऊपर जाएगा, मैं यहां से इसके स्टॉक इस जगह से मैं एक बाय करने की कोशिश करूंगा, इसको देखते हैं एक बड़ा, चलिए कोई बात नहीं, वो मेरे को अमाउंट कम बता रहा है अभी, अच्छा। अब देखिए आपका एक जगह पर आइए, एक आपका जगह पर मिला हुआ है मेरे को, और आरएसआई भी मेरे को बाय बोल रही है, थोड़ा सा मैं और रुक जाता हूं, चलिए अब नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, इसने इसको थोड़ा सा और रुक जाते हैं। अब जरा हम इसकी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है साईं जी, बाइमिंग है, स्टॉक बाइमिंग है, अभी बाइमिंग स्टॉक चल रहा है, और आप इसको होल्ड करके छोड़ सकते हो, होल्डिंग में छोड़ देता हूं यहां से ओवरनाइट के लिए, राइट, एक मैंने होल्डिंग ओवरनाइट के लिए छोड़ दी है, ये देखिए
पहले अपना एक एक प्रॉफिट बुक करें, एक प्रॉफिट बुक करें पहले अपना, ठीक है, चलने दें चलने दें चलने दें, ठीक है, मैं चलने दे रहा हूं इसको। और सबसे पहले हम एक प्रॉफिट बुक करेंगे इसका, यस, एक प्रॉफिट मैंने बुक किया इसका, कितना लॉस रह गया मेरा अभी? और 700 बस, 700। अगर मेरा वो 100 ले लिया होता उसमें तो, या जो 100 क्वांटिटी मैंने डाली थी अगर वो ले ली होती तो अभी 5,000 मिल गया होता ना। बस देखो इतनी देर लगनी है इसको अभी भी। अब मैं इसको ले रहा हूं निफ्टी को, देखिए निफ्टी फ्यूचर को मैं लेके देख रहा हूं अभी, जरा निफ्टी फ्यूचर में देखता हूं मेरे को क्या बोल रहा है। निफ्टी फ्यूचर एक जगह पर जा रहा है और जबकि ये मेरे को नुकसान दिखा सकता है निफ्टी फ्यूचर, और मैं इसको 3 और 2 54 ले सकते हैं इसको, एक मार्केट में इसको बाय कर लेते हैं। इसे होल्ड पे छोड़ना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, इसको मतलब लेके छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अपना प्रॉफिट भी कुछ निकालना है। देखिए ये मेरे को छोड़ना पड़ेगा, ये मैं रख नहीं सकता इसको ऐसे, थोड़ा सा ऊपर जाने दे तो हम इसको निकालेंगे और प्रॉफिट में देखते हैं कितने प्रॉफिट तक जा सकता है मेरे को इसको। चलने देते हैं जहां तक जाएगा ये, अभी इसको छेड़ेंगे नहीं। अभी हमारा दो, एक बार बताइए, हमारा नुकसान हो रहा था राइट, और नुकसान को मैंने काफी हद तक कवर कर लिया, तो मतलब मेरा 60 पॉइंट का मेरे को इसका स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए भले ही वो कहीं पर भी जाए। 15,000 का मैंने एसएल रख लिया, मतलब 4,500 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया अभी। ये समझिए, काट सकता है मेरे को, काट सकता है। इसको मैंने क्यों लिया इसको बता देता हूं। अभी एक रीजन है इसके लेने का, अगर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई मेरे को नुकसान दे जाएगा 3,000-4,000 का, ठीक है, वो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं अभी कि ऐसा हो सकता है। ये देखिए अभी दोनों के दोनों जो है वो एक सपोर्ट पे बैठे हुए हैं बाहर, देख रहे, ये यहां तक आ सकता है नीचे इस जगह तक, यहां से ऊपर जा सकता है। अभी इसका क्लाउड भी ग्रीन ही है तो मेरे को वेट करना पड़ेगा, 15,000 पे मेरे को काट जाएगा, फिर मेरे को एक और वो लेना पड़ेगा क्या, ये लॉस मेरे को फिर कवर करना पड़ेगा। अभी डरना नहीं होता, देखो मैंने आपको अभी लॉस भी करके दिखाया, उसके बाद उसका प्रॉफिट भी निकाल के दिखाया राइट, उसके बाद फिर से एक लॉस देके दिखा सकता हूं, एक लॉस और हो गया, उसको आपको फिर से चेक करना है कि मेरा लॉस कवर हुआ कि नहीं हुआ। ये एक दिन में नहीं जाएगा आपका कि आपने बोला झट से आपने लिया और इसे झट से ऊपर चलना शुरू, ऐसा कभी नहीं होता। इसको चलने दीजिए, जाना कहां तक है इसको, एक लंबा अप लेना है अभी इसको, लंबा अप, लेकिन ये एकदम से नहीं लेगा। 1588 पे कहीं जाके इसको मिलना चाहिए, अभी नहीं है। चल रहा है इसको मैंने छोड़ दिया है राइट, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैं वो नहीं कर रहा हूं, एक स्टॉप लॉस लगा के मैंने इसको छोड़ दिया कि चलो जाने दो जहां पर जाएगा। ओके, जितना देखे जाएगा उतना हम ले लेंगे। देखिए आपके सामने सामने चल रहा है अभी, एकदम से मार्केट ऊपर कभी नहीं जाता कि आपने बोला और झट से मार्केट ऊपर चल दिया आपके कहने पर, ऐसे ही होता सही जी? नो सर, ऐसा कभी नहीं होता ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप चाहो तो देखो आपको नुकसान चल रहा है कितना हो गया है, फिर से वापस हो गया उतना नुकसान हमारा आ गया, ये 40 पे चल रहा है अभी, और अभी मैं इसको वेट कर रहा हूं कि देखिए क्या होगा। अभी यहीं पर रुका रहेगा, यहीं से घूमते घामते तब जाके कहीं ऊपर चलेगा, अभी नहीं चलेगा, अभी एकदम से नहीं जाएगा ऊपर, ये टाइम लेगा ऊपर जाने में, यही घूमता रहेगा। ये इसका कौन सा जोन हो गया, ये इसका हो गया कंसोलिडेशन जोन। Okay. मतलब मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम, देखिए ऐसी जगह पर मेरे को अपना स्टॉप लॉस कहां पर कर देना चाहिए देखते हैं, मेरे को अगर नुकसान देगा तो दे जाए, मेरे को अपना स्टॉप लॉस यहां पर मैंने 15,000 पे रखा हुआ है, ये रहा मेरा 15,000 इससे नीचे राइट right? right. और इसको हम कर देते हैं इसके नीचे 15,015 पे कर देते हैं इसको, 15 पे ओके है, तो मैंने 15,015 पे इसको कर दिया, कटेगा कट जाएगा कोई बात नहीं।
ये जगह है देखिए, और इसने अपने मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है। चलिए देखते हैं, 42 पे अभी चल रहा है और मैंने इसको रोके रखा है, मैंने इसको कुछ नहीं कर रहा हूं। नीचे कटेगा कट जाएगा, अराउंड अभी हमारा 30-35 पॉइंट ऊपर, मतलब हमें 3000 के आसपास का नुकसान दे सकता है आराम से, सीधा सीधा बात ये। अब हम चलते हैं इसकी जरा ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैं इसको हटा देता हूं, ये सारा हटा देते हैं और ट्रेंड लाइन पे चलते हैं। अब अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन बनाता हूं यहां पर 5 मिनट की, छोटे टाइम फ्रेम की अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन ले लेता हूं तो मेरे को क्या बोलता है देखते हैं। यहां पर अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन ले रहा हूं तो मेरे को ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा है, राइट मतलब ये यहां तक आ सकता है अभी ऊपर, सॉरी नीचे यहां तक आ सकता है, राइट इसको टच कर करके ऊपर जा सकता है, ये हमारा एजम्पशन है। और मैं इसको एक घंटे की भी ट्रेंड लाइन बना लेता हूं कि एक घंटे की ट्रेंड लाइन मेरे को क्या बोल रही है, यस, या एक दिन की भी देख लेते हैं, दिन की ट्रेंड लाइन आपको क्या बोल रही है, और महीने की भी देख लेते हैं, महीने की ट्रेंड लाइन आपको क्या बोल रही है। फ्यूचर है, फ्यूचर है, इसको हम एक घंटे की ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये देखिए चल रहा है ऊपर, अभी चल रहा है ऊपर, अभी हमने इसको कुछ नहीं छेड़ा है और अभी मार्केट ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है, ये देखिए राइट अराउंड, ओके वो डे हाई में है सर, एक बार ब्रेक हो जाए तो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। इसको डे हाई पे लगा के देखो, डे हाई आपका ये रहा है, देखिए ये रहा आपका डे हाई, डे हाई का मार्क आप कर लीजिए, ये मैंने मार्क कर दिया डे हाई का, राइट ये मेरा डे हाई का मार्क, साथ में आप चल सकते हैं। जब कभी भी डीआई को मार्क ये करेगा, तोड़ेगा, तो आप उसके साथ में अपना बाय ले सकते हैं। देखिए चल रहा है, अभी हमारा लॉस कितना आ गया, हमारा लॉस बड़ा था, आप जब डीआई से ऊपर निकलेगा, पहली बात तो ये है, जब डीआई से ऊपर निकलेगा तो हम इसको रखेंगे नहीं ज्यादा, क्यों नहीं रखेंगे, यस क्यों नहीं रखेंगे डीआई से ज्यादा, बताए क्यों सर, डे हाई से वापस भी आ सकता है, वापस भी आ सकते हैं, गैप ओके उधर से रिटर्न भी आ सकता है, यस 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 यस। तो मतलब हमारा ये डे हाई से ज्यादा हम इसे रख नहीं सकते, हमारा इश्यू हो सकता है, तो मैं इसे यहां तक रखूंगा खाली, देखते हैं। 300 रुपए, 1000 रुपए का भी हमारा नुकसान चल रहा है, राइट 60 पे चल रहा है और 1000 रुपए का हमारा नुकसान चल रहा है, अगर 80 पे मैंने इसको लगा दिया, ये मेरा टारगेट है 80 पे, और अभी चल रहा है, अभी मैंने इसको छोड़ा हुआ है, मैंने इसका कुछ नहीं किया हुआ है, अब इसमें ब्रेक होने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमने बोला और ब्रेक हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, क्यों आपके हिसाब से चलते हैं कभी स्टॉक क्यों साई साहब, ऐसी हो जाए तो अच्छी बात है ना सर भैया, ऐसा हो जाए कि साई साहब ने बोला और स्टॉक ऊपर चलने लगे तो आपके हिसाब से हो जाते सर, हमारे को कुछ नहीं, मेरे हिसाब से भी नहीं चलते, देखो ऐसा थोड़ा है कि मेरे को हर बार फायदा देगा, ऐसा नहीं, कभी कभी आपको ऊपर घुसा रहते हैं बट आपको मैक्सिमम दे देते ना, शाम तक आपका ग्रीन में क्लोज कर दे रखते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो मेरे कहने से स्टॉक थोड़ा चलेगा, मेरे कहने से देखो नेस्ले इंडिया ने मेरे को नुकसान दे दिया कि नहीं दे दिया, आप एनएससी से बहुत दोस्ताने हैं सर आपको आप हम पूरा दिन बैठते आप 5 मिनट में एक दो मिनट में काम कर खत्म कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है, देखो काम करने से होता है, आपके पास अगर एनालिसिस सही होगा, और दूसरी बात ये बड़े से बड़ा ट्रेडर भी नुकसान तो उठाएगा ना, यस सर, ऐसा होना होगा बड़ा ट्रेडर है तो उसे कभी नुकसान ही नहीं होगा, भाई ऐसा लॉजिक तो नहीं है ना, लॉजिक भाई, ट्रेडर कितना भी बड़ा हो, ट्रेडर कितना भी बड़ा हो अगर उसने नुकसान कभी नहीं खाया तो वह एक अच्छा ट्रेडर नहीं है, राइट अगर अच्छे ट्रेडर है तो अच्छे ट्रेडर के लिए नुकसान उठाना बहुत जरूरी है, अगर वो नुकसान उठाएगा तो फायदा करेगा अपना, राइट अगर नुकसान उठाएगा तो फायदा करेगा, अगर उसने नुकसान नहीं उठाया तो उसका कभी फायदा नहीं हो सकता, अच्छे ट्रेडर के लिए नुकसान उठाना बहुत जरूरी है, एक बार वो नुकसान उठा लेगा तो उसे समझ आ जाएगा मेरे नुकसान क्या होता है। 63 पे चल रहा है और मैंने अराउंड इसके ऊपर ब्रेक करेगा, इसका हाई ब्रेक जैसे ही हुआ, देखिए अभी हाई ब्रेक जैसे ही होगा वैसे ही ये एक शूट करेगा और 80 तक का शूट कर जाएगा यहां से, और 80 पे मेरा टारगेट है, अगर ये शूट कर गया तो मेरे को दे जाएगा, देखते हैं, देखिए राइट 64 चलते हैं, देखते हैं कहां तक जा रहा है, 80 तक मेरा टारगेट है,
हाँ वहीं पर रुका हुआ है ना ये, अगर इस हाई को देखिए ब्रेक करेगा, इस हाई के पास में है ये हाई है इसका, ये हाई से वापिस भी आ सकता है, ये यहाँ से वापिस भी आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको एक बाय देके जाएगा, लेकिन अभी नहीं गया, अभी नहीं गया, इसको टाइम लगेगा ऊपर जाने में, एकदम से थोड़ा चला जाएगा, यहीं से वापस आ सकता है, ये एक रिटर्न मार सकता है यहाँ से, देखते हैं रिटर्न मारेगा तो हमारा एक लॉस भी लेके जाएगा, देखिए और मैं इसको निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है 2-3 हजार का नुकसान है वो हम बाद में दे देंगे, लेकिन हमारा मैंने निकाला नहीं, देखिए इसको जीरो पे आ गया तब भी नहीं निकाला, 1000 पे आ गया तब भी नहीं निकाला, मैं नहीं निकाल रहा हूँ इसको, मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा और जितना ऊपर जाएगा वो मेरा नुकसान मेरे को हटाएगा, या तो फिर 3-4 दिन मैंने पहले ही सोच लिया कि मेरा 3-4 हजार का नुकसान हो सकता है, क्यों मिस्टर साई राइट जवाब, मैं सोचता रहता हूँ कि 3-4 हजार का मेरा नुकसान हो सकता है, तो वो आप पहले से दिमाग में रखिए कि इतने हजार का मेरा नुकसान है बस, और डे हाई मेरा कहां पर पड़ रहा है, और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ अराउंड 90 पे मैं इसको करके छोड़ देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद या तो मेरा स्टॉप लॉस काट लेगा या फिर मेरे को प्रॉफिट दे जाएगा, दो में से एक काम करेगा, अभी हम केवल वेट कर रहे हैं, और अब हम चलते हैं जरा आगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं कहां पर जाता है, अभी भी रुका हुआ है ये, कंसोलिडेशन ले रहा है, देखिए कंसोलिडेशन ले रहा है, अभी भी ये बाय में ही है, सेल में नहीं बैठा है, टाइम लेगा ये, टाइम लेगा, मैं इसको छोड़ रहा हूं, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी तक भी इतना करने के बाद भी, आप देखिए हमने दो ट्रेड किए, हमने दो ट्रेड किए जिसमें से 2300 का हमें लॉस हुआ, किसने दिया हमें, नेस्ले इंडिया ने, और एक हमें प्रॉफिट हुआ 1545 का, yes, sir. अभी फिर से मैं इसको रख के रख रहा हूं, क्योंकि देखिए ये मेरे पास एक जो बैंक निफ्टी है ये फिर से ऊपर जाएगा यहां से, तो मैं एक जो निफ्टी है, कहां गया बैंक निफ्टी 134, इसको भी मैं रख लेता हूं, अभी देखिए ऊपर चलना शुरू नहीं हुआ, अगर ये ऊपर चलना शुरू होगा तो मैं इसका भी एक लॉट लूंगा, चलना शुरू होगा तो, अभी चलना शुरू नहीं हुआ क्योंकि मैं दो में रिस्क नहीं उठाऊंगा, मैं एक में रिस्क उठाऊंगा, अगर इसके ऊपर चलेगा तो मैं इसका फिर एक बाय लूंगा, यहां से इसके ऊपर 771 के ऊपर मेरे को एक बाय लेना चाहिए इसका, अगर ऊपर जाएगा तो राइट, चलिए देखते रहते हैं अभी कहां तक गया, अभी देखिए ना मैंने इसको हटाया, अभी मैंने नहीं हटाया, देखिए 15,015 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है, और बाकी में ये जितना मेरे को लॉस देगा वो मैं लूंगा आराम से, लॉस लेने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है, अगर आपको लॉस करना नहीं आता तो फिर आप उसका फायदा भी नहीं ले सकते कभी भी, देखिए आपका बिल्कुल चल रहा है, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस काट नहीं रहा हूं, स्टॉप लॉस कटेगा तो मेरा खुद ही काट के चला जाएगा, ठीक है, मैं अपना स्टॉप लॉस कोई नहीं काट रहा, नहीं तो अगर कोई भी ट्रेडर होगा तो वो क्या करेगा, वो देखेगा लॉस हो रहा तो पहले काट दो राइट, यस ये तो करेगा, मैं काट नहीं रहा हूं अपना स्टॉप लॉस, मैं रुके बैठा हूं आराम से, मैं तो 3000 का लॉस देके जाएगा, और भाई मेरे को कितने का लॉस दे सकता है, मैंने इसे लिया 63 पे और 15 पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरे को कितने का लॉस देके जा सकता है, क्यों मिस्टर सर 15 कितने पॉइंट हो गए 3500 अराउंड ऑलमोस्ट या ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये मेरा 63 है 75 रेट या इसे निफ्टी रेट मे बी मोर सर, हाँ निफ्टी है, निफ्टी आपका 63 पे मैंने लिया माइनस 15 कितना हो गया, ये अराउंड एक मिनट 63 माइनस 15 कितना हुआ, ये आपका हुआ है 48 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना हुआ है 3600 का राउंड राइट, तो मतलब ये मेरा 3600 का लॉस मेरे को देके जा सकता है, और पहले भी 700 रुपए का लॉस तो कितना हो गया अराउंड 5000 यस सर अराउंड 5000 मतलब ये मेरे को अराउंड 5000 का लॉस देके जा सकता है, लेकिन मैं इसको तब भी रखे बैठा हूं यहां पर राइट, अभी भी रखे बैठा हूं, मेरे को इसे रखना इसलिए है कि दो रीजन है इसके, नीचे आ सकता है कभी भी ये मेरा स्टॉप लॉस काट सकता है, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूं पहले से प्रिपेयर हूं, लेकिन मेरे को यह पता है कि एक हाई बना रहा है,
राइट। और ये आपके पास एक लाइन है, अगर ये टूटेगी, ये ट्रायंगल बन गया देखिए, यस सर, अगर ये हाई तोड़ेगा तो ये तोड़ के ऊपर निकल जाएगा अभी यहां से, मतलब अगर इसको यहां से टूट गया, यहां से टूट गया तो फिर यहां तक आ जाएगा नीचे तक और मेरा स्टॉप लॉस भी लेके चले जाएगा। लेकिन अगर यहां पर नहीं गया, क्योंकि इसका भी सिमेट्री सेल की नहीं बन रही है, इसलिए मैं इसको भी आराम से रखे बैठा हूं। चेक कीजिए मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी और ये अभी देख लेते हैं कितना काम कर रही है। ये देखिए अभी चल रही है, अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया हुआ, नुकसान फायदा आप चेक कर सकते हैं जो भी चल रहा है। अभी मेरा 600 रुपए का नुकसान चल रहा है इस पर, नुकसान तो बढ़ा है पर निफ्टी में 600 रुपए का नुकसान अभी चल रहा है और मैं आराम से रख के बैठा हूं। यहां से ये डाउन ले भी सकता है लेकिन मेरे को उम्मीद है कि यहां से इसे ऊपर चलना चाहिए। 55, 600, हमने पूरे लॉस फायदे सारे देख रहे हैं इसमें कि कितना किसना चल रहा है। अगर ऊपर चलेगा तो सबसे पहले हम अपना लॉस कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे कहां जाना है। और अभी हम रुके हुए हैं, देखिए अभी मैं रुका हुआ हूं क्योंकि अभी रीजन क्या है, अगर इस समय आप देखते हैं, मैं दोनों को अगर आपको दिखाऊं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट नहीं हो रहे, राइट। निफ्टी तो ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, राइट। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर गया तो क्या होगा? या एकदम, अगर बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट कर गया, हालांकि बैंक निफ्टी ने देखिए क्लाउड बना रखा है ग्रीन, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला। मैं वेट कर रहा हूं, अभी बाय नहीं है, अभी सेल में नहीं है। अगर ये बैंक निफ्टी सपोर्ट कर जाए तो निफ्टी एकदम से ऊपर भाग जाएगा। चल रहा है अभी, देखो आपके सामने दिखा रहा हूं मैं इसको। लॉस फायदे से डरना कभी नहीं चाहिए, लॉस फायदे मार्केट का एक पार्ट है, सही क्यों मिस्टर साहब? यस सर, लॉस फायदे मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है और वो आपको झेलना पड़ेगा, जो भी लॉस के फायदे है उसमें झेलना पड़ता है आपको। लेकिन आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि भाई मीन एनालिसिस करना पड़ेगा कि एनालिसिस राइट भी है या रॉन्ग है, और उस एनालिसिस पे आपको रुकना भी पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने एनालिसिस कर दिया बस हो गया, उस पर स्ट्रिक्ट रहना सबसे मुश्किल काम है। उसमें लोग स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते, समझ रहे? अब देखिए मैं अपना, मैंने आपको लॉस भी करके दिखाया और मैं इस समय रुका हुआ हूं, देखिए मैं हट तो नहीं रहा हूं उससे, बताइए। मैं वहां पर रुका बैठा हूं, देखिए अभी आया नहीं है, कोई जगह नहीं आई है बाय की मेरी, अभी देखिए चल ही रहा है ये, अभी चल रहा है। और हमें कितने का लॉस दिखा रखा भी देखते हैं, 480 का भी हमारा लॉस है, राइट। yes. है, और हटा नहीं हूं मैं देखिए इससे भी बिल्कुल भी, अभी वहीं बैठा हूं मैं इससे। अभी मेरा टोटल लॉस 1300 का है और मैं कितने का लॉस लेने के लिए बैठा हूं बताएं? माइक बंद कर लें, जिसका भी माइक चल रहा है प्लीज माइक, जो भी आते हैं प्लीज माइक बंद कर लें, उससे डिस्टर्बेंस बहुत तेज होती है। मिथुन जी आपका माइक चल रहा है, ठीक है, बस माइक बंद करके रखें। आपके सामने देखिए मैं लाइव ट्रेडिंग कर करके दिखाता रहता हूं, नुकसान फायदा सब मैं दिखाता हूं आपको, एक एक चीज दिखाता हूं कि ये देखिए फायदा नुकसान, और मैं नुकसान भी करके दिखा रहा हूं, फायदा भी आपको करके दिखा रहा हूं। और मैं बैठा हूं देखिए, पूरा दिखा रहा हूं आपको कर करके कि क्या होता है, देखिए। और देखिए इस समय क्या हो रहा है, 3:32 है, बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठा है बायर सेलर, जहां एक्सेप्ट फर्स्ट कैंडल एवरीथिंग इज सेम पोजीशन सर। यस, अभी मैं केवल वेट कर रहा हूं, देखिए कैसे है वो, कितना मूविंग एवरेज है वो 200 का? ये मैंने चार मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं, 100, 200, 50 और 20, वो सब कुछ कवर कर दिया। ये मैं सारे के सारे मूविंग एवरेज चलाए और देखिए अब आपके पास क्या हो रहा है, सर ऊपर जा रहे कर दिया एकदम 15 सर, आप बोला था ना एकदम 15 का गैप। अब देखिए मैंने नहीं इसको किया, ये देखिए ना आप बोले था ना,
इसके ऊपर जाए तो डायरेक्ट एकदम 50 तक जाएगी बोल के। यस, और देखिए क्या हुआ, हमने ये 82 और ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा तो ये मेरे को दे जाएगा, मैंने 90 लगाया हुआ है। तो आप ऐसी जगह पर कभी भी आप वो ना करें, ऐसी जगह पर सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस यहां से काट दें, ठीक है। रीजन क्या है, यहां से देखिए मैं चलता जा रहा हूं 85, 84, ठीक है, और मैंने यहां से इसको काट दिया, राइट और इसको भी काटा मैंने, इसको देख लेते हैं हमारी पोजीशन क्या हो गई है, नुकसान में आ गए हम, ग्रीन में आ गए आई थिंक। या कितना हो गया हमारा फायदा, 700। अभी कितना था हमारे पास, मैं दिखाता जा रहा हूँ आपको, सारी चीजें दिखाता जा रहा हूँ। मैंने लॉस में भी था, लॉस में भी था मिस्टर साई, देखा आपने, ठीक है, हमने लॉस किया 2300। और मतलब कोई हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बोलेगा, क्यों बोलेगा, मैं बताता हूँ क्यों बोलेगा, क्योंकि नेस्ले इंडिया में हमने जो लॉस किया वो कहीं से भी लॉस करने लायक जगह नहीं थी। हमने क्यों लॉस किया मेरे को बताएं, चलिए मैंने क्यों लॉस किया और उसका गलती मेरे को भुगतनी पड़ी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी अब बाय की साइड पे जा रहा है, बैंक निफ्टी को मैं देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी 137.86, यहां से बैंक निफ्टी को आप लेके छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां से बैंक निफ्टी आप चाहो तो एक लेके छोड़ दो ओवरनाइट में, यहां से लेके छोड़ दो आप, ठीक है, जितना भी जाएगा इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए। अभी अभी ये बाय साइड में चलना शुरू हुआ है, आपको कुछ ना कुछ और देके चला जाएगा। देखिए मेरे पास जो पैसा है मैं उसे लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, राइट, मैं क्या कर रहा हूं उसे रखने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं वो पैसा यहीं पर ही लग जाए, देख रहे, मैं इसको ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा टारगेट कितना है, यस, टारगेट कितने का है, मेरा टारगेट जो बन रहा है बैंक निफ्टी का वो देखिए 600 रुपए भी दे रखे इसने और मैं रखे हुए हूं इसको, मैं हटा नहीं रहा हूं इसको। अभी चूंकि बाय साइड पर है तो हम इसे जाने देंगे, भाई बहुत ज्यादा मेरे को नुकसान देके चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। नुकसान के लिए तो मैं पहले से प्रिपेयर हूं कि नहीं हूं बताए, सर नुकसान के लिए तो मैं पहले से प्रिपेयर हूं। इसको हम कर लेते हैं 850 के अराउंड में इसको कर लेता हूं, ठीक है, अगर 850 तक जाएगा तो मेरे को ये फायदा मेरा देके चला जाएगा, डन, और मैं इसको रख के बैठा हूं। ये 850 है, जब भी 850 जाएगा तो मेरे को ये अपना मेरा एक दे जाएगा, 805 पे चल रहा है, चलने देते हैं मार्केट क्या बोलता है, मार्केट को चलने देते हैं, मार्केट को नहीं छेड़ते हम, राइट। हमने निफ्टी भी देखा और हमने बैंक निफ्टी को लगा के छोड़ दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, देखिए मैं रख के बैठा हूं बस इसे खाली, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। अभी कितना ऊपर जाएगा मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हमने अराउंड 850 पे इसको लगा के छोड़ दिया और अभी प्रॉफिट नहीं है, और ये प्रॉफिट मैं लेके नहीं जाने वाला, ये प्रॉफिट मैं यहीं रख के जाने वाला हूं सारा का सारा, मैं मार्केट के अंदर ही घूम रहा हूं प्रॉफिट लेके, राइट, और रहा हूं, राइट, मार्केट इस प्रॉफिट को मैं लेके घर जाने की तैयारी में नहीं हूं कि मैं लेके जाऊंगा, देखिए, राइट, राइट, चल रहा है। अब मेरा 1000 रुपए का पूरे हो जाते हैं, 1500, 1600, जहां पर भी मेरे 1000 रुपए पूरे हो जाएंगे मैं वहां हट जाऊंगा, क्योंकि मेरा 1000 रुपए का टारगेट है, 900, 800, 1500, 817, ठीक है, 820 पे कर लीजिए इसे, 825 पे मेरा पूरा हो जाता है टारगेट, तो मैं इसका ऑर्डर हटा देता हूं, 850 को मैं हटा देता हूं, 825 मेरा टारगेट पूरा हो जाता है, ये देखिए चल रहा है सर, दो है सर, टारगेट दो है ऊपर, नहीं एक वो लगा हो वैसे ही लगा हो, वो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो हट जाएगा, मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया और ये मेरा टारगेट रहेगा, देख रहे हैं, देखिए टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, ये देखिए वापस आ गया 500 पे, और हम रखे बैठे हैं 825 के आसपास का हमारा टारगेट है, 825 अगर अचीव हो जाएगा तो हमारा टारगेट लेके चला जाएगा 819, 825, राइट, डन, डन सर, कितने आ गए 1179, डन, अभी भी ऊपर जाएगा, ये जाना अभी भी ऊपर है, पर मेरा टारगेट पूरा,
क्लियर हो गया। हमने लॉस भी करके देखा, हमने लॉस भी करके देखा, हमने फायदा भी करके देखा, हमने सारा करके देख लिया, राइट right? देखिए आपके पास क्या हुआ। अच्छा एक बार बताओ साईं, साईं साहब आप मेरे को, आप मैंने आपको पहले तो बेवकूफी बताता हूं हमारी क्या थी, हमारी खुद की बेवकूफी समझनी चाहिए। एज ए ट्रेडर मेरी गलती क्या थी मेरे को बताए, मैंने आपको फायदा जरूर करके दिखा दिया लेकिन मेरी गलती थी। और गलती क्या थी, क्यों साईं साहब गलती क्या थी हमारी? पहली बात तो ये थी, पहली गलती देखिए, पहला अच्छा पॉइंट हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट कि हमने नेस्ले इंडिया में, नेस्ले इंडिया में एक स्टॉक लिया, राइट? यस सर। उसने हमने 15 रुपए का फायदा दे दिया प्रॉफिट, ये अच्छा था ना? यस सर। लेकिन हमारी गलती क्या थी, दोबारा हमने 25 स्टॉक लिए नेस्ले इंडिया में, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी। क्यों गलती? क्योंकि नेस्ले इंडिया बहुत एक मूविंग स्टॉक है, और इस मूविंग स्टॉक में एकदम से 25 स्टॉक ले लेना हमारी गलती है, जब तक कि हमें श्योर ना हो। हमने ये सोचा कि नेस्ले इंडिया चलो 25 है तो अच्छा हमें दे जाएगा, लेकिन नेस्ले इंडिया मूव कैसे करता है इसका मूवमेंट समझिए। इसका मूवमेंट ऐसा नहीं होता कि आपका सपोज 60,000 पे चल रहा, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होता कि 60,001, 16,002, ऐसे नहीं चलता ये। इसका मूवमेंट कैसे होता है, 16,050, ठीक है, 16,100, ठीक है, 16,200, ऐसे मोमेंट होता है इसका। तो इस केस में अगर आपने 25 ले लिए हैं तो सीधा आपको 50, अगर ये 50 भी होता है तो मल्टीप्लाई बाय 25 आपको फायदा नुकसान होगा, 50 मतलब कितना हो गया अंदाजन, 1,000 रुपए का आपको सीधा नुकसान। और यही नुकसान हमें झेलना पड़ा किस में, बैंक में, नेस्ले इंडिया, यही किया उसने, 25 स्टॉक लिए हमने और उसने में नुकसान दिखा दिया। लेकिन हमें इसे कवर करने के लिए मतलब ये हमारी गलती थी, और ये एज अ ट्रेडर आपको कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको मॉर्निंग में ये बताया, ठीक है, मॉर्निंग में ये बताया मैंने आपको कि भाई जितना बड़ा स्टॉक है उतने कम क्वांटिटी लो, जितना बड़ा स्टॉक कम क्वांटिटी, राइट, और जितना बड़ा स्टॉक, सॉरी, जितना छोटा स्टॉक उतनी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाओ, राइट? यस। और एक होता है टेस्टर, इसको बोलते हैं टेस्टर मार्केट के अंदर, ये असल में किसी को पता नहीं होता और कोई यूज भी नहीं करता इसको, TSER, ठीक है। अगर ये आपके पास टेस्टर होता है, एक टेस्टर होता है, यस, ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए होता है। टेस्ट करने के लिए क्या होता है, आप क्या करिए मार्केट में क्या करो, आप एक छोटा सा स्टॉक छोड़ो, आपको लेने हैं सपोज 1000 स्टॉक चाहिए आपको, आप एक छोटे से स्टॉक 25 स्टॉक बाय कर लेते हो, कर लिए। मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में चलता है तो आप इस क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, राइट? ओके। और अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता है तो आपको लॉस केवल 25 से होगा, राइट? और ये एक होता है टेस्टर, मतलब अगर मैं 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले 5 क्वांटिटी के साथ टेस्ट करूंगा उसको। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ये इस टेस्टिंग टेक्निक को अपनाते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम उस असल में आप क्या कर रहे हो, तो मैं बिगनर्स को बोलता हूं कि 5-5 स्टॉक लो, तो एग्जैक्टली मैं एक टेस्टर यूज कर रहा हूं, मार्केट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। बाद में फिर आप अपने स्टॉक को बढ़ाते हो, 100-200 करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि आपको पहले टेस्टिंग का पता लग गया कहां जा रहा है मार्केट, उसके बाद आप टेस्ट करो, राइट? अब जरा हम चलते हैं अपनी टेक्निक पर, हमारी ये देखिए टेक्निक है, और अभी भी हमें बाय दे रही है, देख रहे हैं? यस सर। ये आपको बाय दे रही है, ठीक है, और ये पूरा इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए सिंपल सा मेथड है। इसमें मूविंग एवरेज बहुत आसान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मूविंग एवरेज मैंने आपको समझा रखा है कि मूविंग एवरेज कैसे करते हैं। अभी 59 हो गए, लोग आ गए हैं क्या, मैं देख लेता हूँ, लोग पहुंच गए, यस, बहुत सारे लोग आ गए, यस, काफी लोग आ गए, साईं जी हैं, मित्र जी हैं, राजेंद्र जी हैं, रमेश जी हैं, प्रशांत जी हैं, अनिंदित्या जी हैं, देव जी हैं, आशीष जी हैं, और क्या हाल चाल है आप लोगों के, ये बताएं सर। गुड मॉर्निंग।
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके, बताए? बस बढ़िया सर, बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग, खुशहाल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं और लाइव ट्रेड करके हमने देखिए नुकसान फायदे सारे कर करके दिखाए, सारे कर करके मैं दिखाता रहता हूँ यहाँ पर। अभी तक हमारे सर आपका वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, ये माइक लगा ले, माइक लगा ले, माइक की वजह से हो गए, सॉरी एयरफोन, माइक एयरफोन लगा ले। सर उस दिन आपने ये जो एवरेज के लिए बोला था वो बेसिकली 200 के ऊपर जाएगा तभी एक्चुअल बाय बोले थे ना? मैं इसको बता देता हूँ। देखिए 200 के ऊपर अभी हमारे पास क्या हो रहा है इस समय, देखिए मार्केट कहाँ पर है, 200 पर है ना, इसके ऊपर, राइट। सेटअप में आपको देखिए बता रहा हूँ, मैंने 4 मूविंग एवरेज लिए हुए हैं इसमें, ठीक है। आप लोगों को इश्यू लगेगा इसमें काम करने में, मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा सेटअप दे रखा है, ये बिल्कुल इजी सेटअप है और अच्छा सेटअप है, और इसके साथ काम करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, मूविंग एवरेज, ये सब जानते हैं मूविंग एवरेज, सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसको यूज करना रेयर केस किसी को आता है। मूविंग एवरेज सारे लोग यूज करते हैं, सबको पता है, सारी दुनिया को, बड़े से बड़ा ट्रेडर उसको मूविंग एवरेज पता है, लेकिन उसको यूज करना उसे नहीं पता। ये देखिए पहला मैंने लिया 200, माइक बंद कर ले, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने लिया 200, मेरे को पता है मेरी माइक कहां पर होती है, ये माइक बराबर, हो बराबर, माइक बंद कर ले जरा, कि जिसका ही माइक चल रहा है प्लीज, ठीक है, जिससे हम आराम से नहीं करो सकना, ठीक है। जरा चेक कीजिए, विजय जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? मेरे फोन में कोई इश्यू आ रखी थी इसलिए कल मैं आपको फोन नहीं कर पाया। या अब देखते हैं, चलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं कंसेप्ट लेके चल रहा हूं। देखिए ये अगर मैं 850 पे भी लगाता, मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया था, देखिए बैंक निफ्टी को 850-870, ये सारा मेरा प्रॉफिट देता मेरे को, ये 2000 का प्रॉफिट दे चुका होता, लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है। अभी मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 1179 का प्रॉफिट चल रहा है, और जिसमें से मैंने 2300 रुपए का नुकसान किया, 2000 रुपए का बैंक निफ्टी का प्रॉफिट आया और 1400 रुपए का निफ्टी का प्रॉफिट आ चुका है अभी तक। मतलब हमारा 1179 अंदाजन 1200 रुपए का प्रॉफिट मेरा आ चुका है। अब मैं कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और अगर आपने इसे यूज करना सीख लिया तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। हम यहां पर मैंने आपको बता रहे हैं कि यहां पर मैं सिखाता कुछ नहीं हूं, लाइव ट्रेडिंग में सिखाने का कुछ नहीं है, यहां पर केवल ट्रेडिंग होती है। अब मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूं और इस सेटअप के बेस पर आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैंने लिया 200 को मैंने क्यों लिया, ध्यान से समझिए, हर एक मूविंग एवरेज को मैं ले रहा हूं और किस रीजन से ले रहा हूं उसको चेक कर लिए, वो रीजन आपके पास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी अगर मैं 1 डे पर लगाता हूं, इसको मैं किसी स्टॉक में ले लेता हूं, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है जरा मैं इसको चेक कर लेता हूं, कौन सा स्टॉक अभी कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है जरा मेरे को बता दे, यस कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है जरा जल्दी से बताए, आप लोगों ने देख लिया है, देखते हैं गेनर कौन सा है, गेन, ONGC, UPL, UPL, चलो UPL ही ले लेते हैं, ठीक है, मैंने UPL ले लिया। अब जरा स्ट्रेटेजी को जरा चेक करें प्लीज, ठीक है। ये मैंने लिया सबसे पहले 200 का मूविंग एवरेज, जब क्यों लिया हुआ इसको जरा चेक कर लेते, ये 200 का मूविंग एवरेज, अब ये आपको पता है पूरा डेज कितने होते हैं 365, उनमें से 240 आपका ट्रेडिंग डेज होते हैं, 40 दिन की छुट्टियां हो गई तो साल का हो गया 200 दिन का एवरेज, मतलब पूरे साल में लगभग 200 दिन ट्रेडिंग होती है। तो हम इस ट्रेडिंग को 200 दिन का मानते हैं पूरे साल का, तो मैंने 200 दिन का एक लाइन डाल दी, मूविंग एवरेज डाल दिया 200 दिन का, मतलब अगर इससे ऊपर स्टॉक होगा तो मेरा बाय और इससे नीचे स्टॉक होगा तो सेल, क्लियर। इसलिए मैंने 200 ले लिया। अब इसको आपको यूज करना कैसे, कई लोगों को नहीं आता, देखिए सेम मूविंग एवरेज 200 का मैं यहां पर 5 मिनट में भी ले जाके काम कर सकता हूं, ध्यान रखिए। आप बोलेंगे कि सर ये तो 200 तो इतना ऊपर चल रहा, मैं इंट्राडे कैसे करूंगा, बिल्कुल करेंगे इंट्राडे। आप इसको जो एक दिन का ये मूविंग एवरेज है देखिए कि यार 200 से ऊपर चल रहा है, राइट चल रहा है बिल्कुल। अब इसको आप जाके देखिए कि क्या 5 मिनट में जब तक 200 से ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मैं इसका बाय नहीं लूंगा बिल्कुल भी, ठीक है, राइट। मैंने यहां पर जाके देखा 5 मिनट, जरा चेक कीजिए कि आपको बाय ले लेना चाहिए था, राइट और आउट, ठीक
यस बताए मेरे को क्या 200 के ऊपर बाय लेना चाहिए था आपको कि नहीं लेना चाहिए था आज? क्यों मिथु जी? यस सर, ले लेना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर बाय ले लेते, अगर आपने 1% यहाँ पर बाय ले लिया होता, देखिए 601 से और 616 अभी चल रहा है, आपको कोई इशू नहीं था बाय लेने में, राइट? तो ये मैंने 200 का कंसेप्ट लिया हुआ है, ठीक है? कोई सा भी स्टॉक उठा के देखिए, अब मैं दूसरा स्टॉक ले रहा हूँ, दूसरा मूविंग एवरेज ले रहा हूँ 100 का, और इसको भी मैं एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ ब्लू। माइक बंद कर ले, माइक किसी का चौक है, बस माइक का थोड़ा सा ध्यान रखे प्लीज, माइक प्लीज किसी का चौक है, माइक बंद करके रखे बस, है ना? ये मैंने 100 लिया, दूसरा, तीसरा भी मैं ले रहा हूँ इनको केवल चेक करने के लिए, ठीक है? और तीसरा मैंने लिया है 50 का, और 50 का भी मैंने एक्सपोनेंशियल लिया है, और इसको मैंने अब की बार कर दिया है, सपोज ये कर देते बैंगनी कलर का, ठीक है? और चौथा भी मैं ले लेता हूँ, चौथा भी एक और मूविंग एवरेज मैंने ले लिया, और ये मूविंग एवरेज मेरे पास रहेगा कितने का, 20 का। ध्यान से चेक करते रहिए बस, और ये मेरे पास 20 का मूविंग एवरेज है, इसे मैंने कर दिया ग्रीन, राइट? अब मैंने इसको यहां से यूपीएल में चेक कर लेता हूं, ये यूपीएल है और देखिए इस समय चल रहा है, और इसको आप यूपीएल कितने पर चल रहा है अभी, 616 पे, राइट? बिल्कुल। अब इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, ठीक है? अब ये आपके पास क्या हुआ, इसको जब मैं चेक करता हूं तो मैंने इसको कैसे चेक करना है, देखिए जब कभी भी कोई स्टॉक सेलिंग पर होता है, जब हम इसको कंसेप्ट समझ लेते हैं, पीछे से चलते हैं कहीं पर से किसी भी जगह से, ये देखिए यहां से ही चलते हैं, चलिए आपका जो स्टॉक था देखिए सेलिंग में चल रहा था, ये सेलिंग में आ रहा था नीचे, यस। सबसे पहले आपको कौन सी वाली लाइन शो करेगी, मूवमेंट, जो आपका सबसे छोटा ये मूविंग एवरेज है 20 का, मार्केट की जरा सी भी हलचल को ये शो करेगा, मार्केट की जरा सी भी हलचल को ये बताएगा आपको। तो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर चलना शुरू होगा, देखिए सबसे पहले इसको कट करेगा 50 को, राइट? इसे थोड़ी सी बड़ी हलचल होगी तो आपको कौन बताएगा, ये देखिए दोनों को कट किया इसने, और बड़ी हलचल होगी तो क्या होगा, ये सबसे ऊपर कट कर जाएगा तीनों के तीनों। तो वहां से चेक कर लीजिए, ये आपका 20 का मूविंग एवरेज है, ये देखिए 50 को कट किया है यहां पर, मतलब मार्केट की छोटी मोटी बाय आई, जैसे इसने सेकंड वाले को कट किया, इसने भी सेकंड वाले को कट किया, मतलब एक ठीक बाय आ गई, और जैसे ही दोनों को कट कर दिया, सबने ऊपर कट कर दिया, तो मेरी एक अच्छी बाय आ गई। एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि मैं बाय का लेके चल रहा हूं यहां पर, सबको पता है ये, लेकिन इसको और कैसे यूज कर सकते हैं ये किसी को कम पता होता है, आप आराम से इसको समझते रहिए, करते रहिए, ठीक है? देखिए यहां पर से जैसे इसके ऊपर गया तो देखिए आपको अच्छा बाय मिला था, फिर देखिए इसके ऊपर गया आपको बाय मिला, इसके ऊपर गया आपको बाय मिल रहा है, अभी पूरा बाय चल रहा है। देखिए आगे भी चलते हैं, इस समय क्या हुआ, इस समय फिर से इसके ऊपर है, तो जब तक नीचे ना आ जाए, जब तक नीचे ना आ जाए तब तक आपको कोई इश्यू नहीं है, आप यहां पर रख सकते हैं। देखिए मैंने 25 को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख लिया, ये देखिए आपके सामने रख लिया है। अब मैं देखता हूं मेरे को नुकसान कितना दे रहा है, ये देखिए नुकसान दे रहा है, फायदा दे रहा है, आपके सामने ही चल रहा है, जहां तक भी जाएगा, जहां तक भी जाएगा हम इसका फायदा उठा सकते हैं, जहां तक भी जाते रहे, ठीक है? इसको ऊपर लगा लीजिए जितना आपको लगाना है, अभी चल ही रहा है, ये देखिए आप अपना फायदा उठाते जाए हटाते जाए, किसने बोला कि रखना ही रखना है, फायदा उठाए हटाए, ये देखिए हटा दिया, आपको फायदा मिला कि नहीं मिला बताए, क्योंकि मैं इसके ऊपर बाय पे, देखिए 1200 रुपए मेरे को दे दिए इससे, और ऊपर चले गए, देखिए और ऊपर चल रहा है अभी, लेके रखना मेरा कोई इश्यू नहीं है, पैसे का मैंने आपको बोला कि पैसा मैं यहां पर आपको अपने कमाने के लिए नहीं दिखाता, ये केवल ट्रेडिंग है। क्यों साहिब साहब, मैंने बोला था कि सारा पैसा मैं ही छोड़ के जाऊंगा, अगर गया तो मैं लेके नहीं जाऊंगा इस पैसे को, राइट? यहीं पर पड़ा है सारा का सारा, मैं इससे ट्रेडिंग कर रहा हूं, ये पैसा जो 1200 रुपए मेरे को इसने दिया है, ठीक है? अभी तक अगर 1200 रुपए इसने मेरे को दिए हैं, तो ये अगर मार्केट ले भी लेगा तो कोई बुराई है बताए? यस बताए, क्यों मेरे को बताए, अगर 1200 रुपए उसने मेरे को दिए और ले भी दिए तो कोई बुराई नहीं? बोलो हाँ, कौन बोलेगा हाँ? यस जल्दी से बताए। हाँ सर, संजीव जी बुराई गई? नहीं सर, बुरा नहीं, अच्छा है।
अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ बहुत खराब है, मेरा पैसा क्यों ले मार्केट, क्यों मेरा पैसा क्यों ले मार्केट, राइट और रॉन्ग? बोला सर आप ही बोल रहे हो कि दे देना मार्केट को, आप ही बोलते नहीं दूंगा। यस, मेरा देखो होना क्या चाहिए, देखिए तरीका समझिए इसको, आपका इसमें लेने का तरीका क्या है कि अगर आपने यहाँ पर आपको मिले हैं 1200 रुपए, ध्यान से सुनिए, मेरे को मिले हैं 1200 रुपए, 1200 रुपए में से मेरी ब्रोकरेज कितनी है? मैंने बोला मेरी दो ब्रोकरेज है सपोज 200 रुपए, फॉर एग्जांपल, नहीं 150 रुपए तो इसकी आ जाएगी, 150 300 और 200 500, 500 रुपए मेरी ब्रोकरेज आ रही है, 500 रुपए मेरी ब्रोकरेज आ गई, तो मेरे पास कितने बचे हैं 700 रुपए, मतलब मैं कितने का नुकसान कर सकता हूं? यस, कितने का नुकसान कर सकता हूं अभी और 700 रुपए का, राइट और रॉन्ग? अब ये ब्रोकरेज क्यों बोली मैंने 500 रुपए, 500 रुपए आ रखी है मेरी ये ब्रोकरेज, बैंक निफ्टी कितना लेता है बताइए जरा, फ्यूचर 150 रुपए लगभग, निफ्टी कितना लेगा 150 रुपए, कितने हो गए 300, नेशनल इंडिया कितना ले लेगा 100 रुपए अंदाजन 400, और थोड़े बहुत और होते तो मैंने 500 लगा लिए इन सबको मिला के, तो 500 रुपए मेरी ब्रोकरेज है इस समय जो मैं यहां पर दे रहा हूं, तो 700 रुपए का केवल मेरे को प्रॉफिट है अभी, यहां पर दिख रहा है 1200 रुपए लेकिन वो है 700 रुपए का प्रॉफिट, तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं अब जो लूज कर सकता हूं वो 700 रुपए कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं लूज नहीं कर सकता अभी बिल्कुल भी। अब चलते हैं आगे, ये आपने ले लिया है और अभी हमने कोई स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया, स्टॉप लॉस का ऑर्डर चेक कर लीजिए, कोई स्टॉप लॉस तो नहीं लगा हुआ हमारा, नहीं लगा, राइट? और नेशनल इंडिया में हम देख लेते हैं कि हमारा जो कितना हमें देता है, जीरो का ब्रोकरेज में चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में कि जीरो का ब्रोकरेज में हमारा नेशनल इंडिया कितना लेता है, चेक कीजिए नेशनल इंडिया जो मैंने लिया है इसको पहले चेक कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। 25 क्वांटिटी देखिए मेरी ये बाय हुई थी और बाय की थी मैंने 16744 पे, कितने पर की थी 16744, ठीक है, और मेरा जो सेलिंग हुई है ठीक है वो 707 पे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, 707 ही लगा दीजिए चलिए, ठीक है 16707.5, और कितनी क्वांटिटी थी मेरी 25। अब मैं देख लेता हूं मेरी चार्जेस कितने पड़ने वाले हैं, ठीक है इसके चार्जेस देखिए मेरे को कितने पड़ रहे हैं, क्यों साई सर, मिस्टर साई आर यू देयर, नहीं है ठीक है, तो इसके चार्जेस देखो मेरे को कितने पड़े, इसके चार्जेस मेरे को पड़े अंदाजन 200 रुपए, बहुत बड़ा शॉप था और इसने मेरे 200 रुपए में से ले लिए, राइट? तो मतलब मेरी ब्रोकरेज आई ना वो लगभग वो अंदाजन 500 रुपए आ रही है, 500 रुपए पे मैं अपनी ब्रोकरेज देके हटाऊं। बड़े स्टॉक को आप हमेशा ध्यान रखिए कि बड़े स्टॉक को एकदम से आपको बाय सेल नहीं करना, सोच समझ के करना है, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी सचिन शामरा जी, आपकी कैसी चल रही है ट्रेडिंग? ठीक चल रहा है सर, और कनर धीरे धीरे क्या हाल चाल है? तो बढ़िया सर, कुछ नहीं बोल रहे क्या बात है कर्नल साहब, कुछ नहीं बोल रहे क्या बात, नहीं कुछ नहीं, नहीं सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए चलिए। नहीं सर मैं उसको ट्राई कर रहा है, मैं आपका वो ट्राई कर रहा था जीरोडा पे स्कैनर को, तो वो सबसे अच्छा आउटपुट जो वो दे रहा है आरएसआई निकालने के बाद दे रहा है, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी दे रहा है, निफ्टी के में भी दे रहा है और स्टॉक्स में भी दे रहा है। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, इस समय मैं एक काम करता हूँ, एक स्कैनर बनाते हैं, चलिए हो गया, चलिए एक स्कैनर बनाते हैं, आज बैठे हुए स्कैनर बनाते हैं एक छोटा सा। अब देखिए इस समय क्या हुआ, मेरे को कौन से स्टॉक चाहिए, मेरे को इस समय एक घंटा लगा लेता हूं इसको जरा, और जीरो स्ट्रीक है ना, स्ट्रीक में बनाते हैं आज, ठीक है। अब देखिए आपका एक बाय होना है, स्कैनर ही बनाते हैं, चलिए ट्रेडिंग तो हमने करी है, मेरे को ऐसे स्टॉक चाहिए, मैं देखता हूं मेरे को कैसे स्टॉक चाहिए, मैं देखता हूं यहां से शुरू करते हैं, देखिए यहां से शुरू करते हैं, मेरे को ऐसे स्टॉक चाहिए, यहां पर मूविंग एवरेज की बेस पे खाली मैं बात कर रहा हूं, मेरे को ऐसे स्टॉक चाहिए जिसने 20 का मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस किया हो, राइट? पहली कंडीशन क्या हुई, 20 क्रॉस 50 मूविंग एवरेज, राइट? ये क्रॉस हुआ ना 50 का। ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट, यू मे प्लीज बिगिन योर पेपर, इट्स 10:15।
माइक प्लीज बंद करें, है ना। ये देखिए 20 ने 100 को भी क्रॉस किया, 20 क्रॉस 100, 100 को भी क्रॉस किया, लेकिन अगर इससे ऊपर निकल जाएगा तो मेरा बाय ऑलरेडी आ गया, मेरे को इससे नीचे चाहिए यहां पर। मतलब 20 ने नहीं क्रॉस किया हो, ठीक है, नहीं क्रॉस किया हो 200 को, और जो कैंडल है वो डाउन होनी चाहिए 200 से, राइट। नमस्ते सर जी, हाँ जी, क्या हाल है? अच्छा है सर जी। ये हाँ जी राजू जी, हवाई हो, देखो मैंने आपकी आवाज पहचान ली। मेरा आवाज ऐसा है सर? योर वॉइस इज गुड एक्चुअली। ओके, अब देखते हैं, देखिए अभी तक हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है, देखिए अभी तक हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 1200 रुपीज का हम कर चुके हैं, लॉस भी किया, उसके लॉस को कवर भी किया, लॉस रिकवरी होनी चाहिए। देखिए लॉस रिकवरी करी हमने, और ये अभी हमारे चार ट्रेड हुए, चार में से एक नेगेटिव है और तीन हमारे पॉजिटिव जा रहे थे, और हमारी गलती हम समझ रहे हैं। अब मैं स्कैनर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक और चलते हैं जीरो द स्ट्रीक में, देखते हैं जीरो द स्ट्रीक क्या आपको बोलता है। लॉग इन कर रहा हूं मैं जीरो द स्ट्रीक में, एक मिनट, एक तब तक जब तक ये खुल रहा है तब तक मैं जरा वो देख लूं, क्रू नहीं सिल्वर, सिल्वर माइक्रो एक बाय में जाना था, अगर वो चला गया तो मैं देख लेता हूं, सिल्वर माइक्रो एक बाय में जाना था और ये चला गया है तो यस, ये देखिए बाय में आ चुका अभी, देख रहे 66 ये मैंने बाय करके छोड़ दिया है, ठीक है, और ये सिल्वर अप्रैल का मैंने बाय करके छोड़ दिया है, और 65600 पे मैं इसका स्टॉप लॉस भी लगा के छोड़ रहा हूं, मैंने छोड़ दिया, देखिए इसको 65600 पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा के छोड़ रहा हूं 65600 पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा के मैंने छोड़ दिया, राइट। अब चलते रह लेते हैं, ये मेरा लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है इसलिए इसके लिए परेशान मत होना। अब हम चल रहे हैं जीरो स्टिक पर, यस, और ये स्कैनर है और क्रिएट स्कैनर, देखते हैं माय स्कैन कौन कौन से हैं, कोई अगर दिख रहे हैं तो बाय, ये मैंने बनाया हुआ है, देखिए चलिए मैं आपके लिए बनाता हूँ, ये नहीं करते, इसके लिए पूरा स्कैनर तो कैसे बनाया आपने? मैं बनाता हूँ, देखिए सिंपल स्कैनर है आपके सामने, पहले मैं चाहता तो मैं उसको दिखा देता डायरेक्ट, पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। हमारा जो टाइम फ्रेम है वो कम से कम है हाफ एन आवर या वन आवर का, राइट, वन आवर का है, और निफ्टी 50 मैं इसको ले रहा हूं, देखिए, और कैंडलस्टिक हाई कैनेशी में नहीं ले रहा हूं, हाई कैनेशी पसंद नहीं मेरे को तो मैं नहीं ले रहा हूं, कंडीशंस को मैंने यहां पर कर दिया। अब चलते हैं यहां पर कंडीशंस लगाने के लिए, मैंने बोला मूविंग एवरेज, देखिए मूविंग एवरेज कितना होना चाहिए, कितना मूविंग एवरेज 20 का, माइक प्लीज बंद कर लें, जिसका माइक चल रहा है माइक को थोड़ा सा बंद कर लें, शांति दे माइक को थोड़ी सी, यस, माइक भी कभी कभी बोलता होगा मेरे को शांति दे, ठीक है। तो मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस अबाव होना चाहिए, क्रॉस अबाव नहीं ले रहा हूं मैं यहां पर बोल रहा हूं हायर देन, ठीक है, कितना 50 के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन, ठीक है, मूविंग एवरेज 20 जो है वो आपके पास कितना होना चाहिए, ध्यान से चेक करते हैं, मैं कंडीशन बनाते जा रहा हूं, 20 जो है वो भी दोबारा से कंपेयर में हायर देन कितना 100, दो कंडीशन मेरी लग चुकी है, कंडीशन चेक करते जाइए, मैं आपको कंडीशन ही बता देता हूं, ये 20 का मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है यहां पर 50 को, राइट, फिर 20 के मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है 100 को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 20 का मूविंग एवरेज ये 200 को क्रॉस करे, यहां पर होगा तो मेरे को बाय पोजीशन बनाएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यस, अब क्या आ गया यहां पर मूविंग एवरेज कितने का 20 का, चेक करते रहिए 20 का मूविंग एवरेज जो है वो कितना होना चाहिए, क्रॉस अबाव छोड़ दिया मैंने, कितना होना चाहिए लोअर देन कितने से, यस बताएं कितने से होना चाहिए, 200
200 से राइट और रॉन्ग? Yes, क्या हमारी कंडीशन हो गई पूरी? मेरे को जरा जल्दी से बताएं, जो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं जरा उनको बताएं कि भाई कंडीशन मेरी पूरी हो गई। 20 का मूविंग एवरेज चेक करते हैं, 20 का मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस किया, राइट? पहला इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसका मेरा कोई काम नहीं है अभी, ठीक है? ये 20 का मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस किया, राइट? ये हमारी पहली कंडीशन, 20 का मूविंग एवरेज हाइयर देन ये 50, राइट? दूसरा वाला है कि 20 का मूविंग एवरेज ये 100 को क्रॉस करना चाहिए, मैंने 100 को भी क्रॉस करा दिया, 20 का मूविंग एवरेज 100 को क्रॉस करना चाहिए। तीसरी कंडीशन, 20 का मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, 20 का मूविंग एवरेज लोअर देन 200 मूविंग एवरेज, राइट? ये सही हो गया। एक कंडीशन मेरे को और डालनी है, यस, कौन सी कंडीशन डालनी है जरा मेरे को बताएं, जल्दी जल्दी बताते नहीं रहे मेरे को। एक कंडीशन नहीं, आरएसआई नहीं करना साहब, एक चीज और है। देखिए हुआ क्या, कई बार यहां पर यह होगा कि आपकी जो मूविंग एवरेज है, ये देखिए यहां पर आ रखा है, इसमें आ रखा है यहां पर, ये तो कंडीशन मेरी ओके है, लेकिन मेरी कैंडल बाहर निकल गई ना, मेरे को कैंडल भी बाहर नहीं चाहिए। अगर कैंडल बाहर निकल गई तो ऑलरेडी बाय आ चुका है, मेरे को तो कंडीशन चाहिए ही नहीं है, मेरे को तो ये चाहिए। अच्छा जरा ऐसे समझे, ये जब यहां पर थी, ध्यान से समझे मेरी बात, ये जब यहां पर थी और कैंडल अंदर थी तो आपके लिए अच्छा था कि ये जब अंदर थी और कैंडल यहां पर पहुंच गई, अच्छा है। तो सेकंड वाली कंडीशन अच्छी है कि पहली वाली कंडीशन अच्छी है, बताएं मेरे को, राइट या रॉन्ग? यस, जल्दी से बताएं, पहली वाली कंडीशन अच्छी कि सेकंड वाली कंडीशन अच्छी आपके लिए? पहले वाली कंडीशन सर। पहले वाली क्यों अच्छी, उसका रीजन समझिए। आपकी है स्टॉक यहां पर, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल ये यहां पर निकल जाए, कल जैसे ही यहां पर खुलेगा आप एक लंबा बाय लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंडीशन यहां पर आ गई ऑलरेडी ऊपर है तो आपको बाय नहीं मिलेगा, एक अच्छा हो सकता है फिर नीचे आ जाए मार्केट, तो ये नीचे वाली कंडीशन मेरे को सूट करती है। तो मतलब अब क्या होना चाहिए, कंडीशन मेरी अब कैसे बन गई कि मेरा मूविंग एवरेज जो है वो 200 के नीचे नीचे होना चाहिए, नंबर एक, और कैंडल भी इसके नीचे होनी चाहिए। तो मैंने एक कंडीशन और डाली इसमें, क्या डाली, यस बताएं, क्लोज हायर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, यस, क्या होगा, लोअर देन, कितना, क्या आना चाहिए यहां पर, जल्दी से बताएं, मूविंग एवरेज कितने का, 200, राइट और रॉन्ग? अब बनी कुछ कंडीशन, मूविंग एवरेज कितने का होना चाहिए, 200 का, और हमने डन कर दिया। अब कुछ कंडीशन बनी हमारी, अब मेरे पास एक कंडीशन बन गई है कि 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ 50 को, 20 का मूविंग एवरेज हुआ 100 को क्रॉस, 20 का मूविंग एवरेज हुआ 200 को लोअर देन है, और मेरी जो क्लोज है वो आपके पास मूविंग एवरेज 200 के नीचे चल रहा है, बिल्कुल सही है। अब जरा हम इसको चेक करते हैं, और उसके बाद हम इसे करने के बाद, ठीक है, मैं इसको और कंडीशन अप्लाई करूंगा, इसको स्कैम का नाम दे देते हैं, बायो स्कैम, मैंने इसको कर दिया। और मेरे कितने स्टॉक निकल के आ रहे हैं, निफ्टी 50 के कंडीशन चेक कर लिए, निफ्टी 50 वन आर और कैंडलस्टिक। अब मैं इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरे स्टॉक आए हैं, ये रहे आपके सामने ही है, कौन कौन से स्टॉक आ रहे हैं इसमें, एक आ रहा है आपका हिंदू लीवर, देखते हैं हिंदू लीवर आपके पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हिंदू यूनिलीवर आपको क्या बोल रहा है, देखते हैं, राइट और रॉन्ग, सही पोजीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताए, राइट और रॉन्ग बताते रहे मेरे को, जैसे मुझे पता रहे कि आप सब लोग अभी सोए नहीं है, जागे हुए मेरे साथ, यस, राइट, आपका बाय कहां पर आएगा इसका बताए, वेस्ट इंडिया का, सॉरी हिंदू लीवर का, कब आता है बाय, जब भी 200 क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा आपका बाय आ जाएगा, बिल्कुल सही स्टॉक दे रहा है आपको। अब मैं सेकंड स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, सर प्राइस क्रॉस करेगा या वो जो सबसे छोटा वाला जो मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करेगा, नहीं नहीं मूविंग एवरेज की क्रॉसिंग नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए प्राइस ही क्रॉस कर जाए तो बहुत है, क्योंकि अच्छा। जब ये क्रॉस कर रहा होगा, अच्छा एक बात समझिए कि जब इसने यहां पर क्रॉस किया तो आपका देखिए ये नीचे था ना यहां पर, जब इसने यहां क्रॉस किया तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका, राइट,
इतना ऊपर ओके। तो मतलब चाहो तो आप ये वाला मोमेंट भी ले सकते हो। कैसे हमें कुल मिला कैंडल को ऊपर पकड़ना है ना कि क्रॉसिंग को, क्रॉसिंग का वेट नहीं करना। क्रॉसिंग तो वैसे भी आपकी बाएं बन रही है ना, देखिए सर ये तो रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है सर? रियल टाइम डाटा ये प्रोवाइड कर दे रहा है, इससे सर चार्टिंग नहीं कर पाता है। मैं देखिए मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ, पहले बता दूं राइट। मैं वो जो किताबी चीजें होती है वो नहीं लाता आपके सामने कभी भी। आपने भी देखा मैं किताबी चीजें आपकी कुछ नहीं लाता। किताबें मैंने पढ़ी नहीं आज तक। मैंने पीएचडी के लिए बहुत किताबें पढ़ी है, मैं बोलता हूँ बहुत किताबें पढ़ी है मैंने, एमटेक एमफिल बीटेक सबके लिए बहुत किताबें पढ़ी, हजारों पढ़ ली है। लेकिन इस मार्केट के लिए मैंने एक किताब भी नहीं पढ़ी, एक किताब भी नहीं खोली भी नहीं। मुझे नहीं पता ऊपर नेट पे कहां पर किताबें आती होंगी। कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूं मगर फिर भी मैं नहीं ढूंढता कि नेट पे किताबें कहां है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को पता है ये ज्ञान आपको प्रैक्टिकली मिल सकता है। अच्छा बताइए, तीन घंटे में से ध्यान से मेरी बात छोटी सी बता दीजिए, आपको तीन घंटा बुक्स के साथ देना अच्छा है? मतलब सोच के बताइएगा कि तीन घंटा चार्ट के साथ देना अच्छा है, बताइए। नॉलेज कहां पर ज्यादा है मेरे को ये बताइए। चार्ट के साथ सर, चार्ट के साथ सर। अगर आपने सर मारा है, मैं अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, अगर आपने चार्ट के साथ में सर मारा अपना धड़ाम धड़ाम करके तीन घंटा, कुछ तो समझ में आएगा राइट। बुक आपको कब हेल्प करती है? ध्यान से मेरी बात सुनिए, बुक आपको कब हेल्प करती है? मेरे ख्याल से बुक आपको तब हेल्प करती है जब आप एक प्रिसाइज नॉलेज की तरफ को जाते हो। आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, उसके बाद उसकी बारीकियां ढूंढ रहे हो। बारीकियां ढूंढने के टाइम पर आपको बुक्स काम आएंगी राइट, मेरी बात समझे। लेकिन जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो उस टाइम पर आपके चार्ट काम आएंगे। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सुई का काम तलवार नहीं करेगी, तलवार का काम सुई नहीं करेगी। बुक कब जरूरी है? बुक आपकी तब जरूरी है जब आप अपनी बेसिक नॉलेज पूरी कर लेते हो। और उसके बाद आप एवा बताइए, सबसे पहले कोई आपने नर्सरी को बच्चे को देखा कभी कि वो बुक्स पढ़ रहा है? मतलब बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रहा है? नहीं पढ़ता ना वो, अपनी पहली एबीसीडी की बुक पढ़ता है, वो पढ़ना होता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़ी बड़ी बुक्स, नॉवेल्स पढ़नी, बुक पढ़नी, बड़े बड़े राइटर्स की किताब पढ़नी शुरू होता है वो राइट। मार्केट के अंदर यहां पर आपको बुक्स तब ज्यादा हेल्प करेंगी जब आप अपनी नॉलेज को, पहले बेसिक नॉलेज को पूरी करोगे तब आपकी बुक हेल्प करेंगी। मैं नहीं बोलता बुक हेल्प नहीं करती, बुक बहुत अच्छी हेल्प करती है, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। लेकिन कब? जब आपकी नॉलेज पूरी होगी, उस टाइम पर बारीकियों के लिए बुक यूज करोगे, अदरवाइज आप चार्ट यूज करोगे, तीन घंटे में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ठीक है। अब देखिए आपका आ गया ये राइट, चल रहा है अभी। अब क्या मैं हिंदू लीवर को ले लूं? आप क्वेश्चन ये है कि क्या मैं हिंदू लीवर को 25 क्वांटिटी उठा के रख लूं? ये मैंने रख लिया देखिए राइट। अब मैं देख नहीं रहा हूं कुछ सर, इस टाइम पे हमने बाय सेलर नहीं देखा बिल्कुल भी, जैसे बायर और सेलर का रेशियो तो 50,000 का अंतर है। कुछ भी नहीं देख रहा हूं मैं, छोड़ दिया मैंने, देखिए छोड़ दिया मैंने बिल्कुल, कुछ देख ही नहीं रहा हूं। देखो लॉस जा रहा है मेरे को, ये रहा, ये देखिए, देख रहे लॉस चल रहा है मेरे को यहां पर। मैं फिर भी नहीं देख रहा हूं यहां पर, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एक दो दिन में आपको यहां मिल जाएगा ऊपर, नहीं समझे, एक दो दिन में आपको यहां मिल जाने वाला है। इसका टारगेट आप यहां तक लगा के रख सकते हो 219 तक। अगर मैं यूज करूंगा 219 को, चाहो तो मैं हटा भी सकता हूं, पर 219 पर मैं अपना टारगेट लगा के इसको छोड़ देता हूं। ये देखिए मैं कितना लॉस देगा आपको, आपके सामने ही चल रहा है मेरा, और मैंने कुछ नहीं देखा, कोई ज्यादा इंडिकेटर कुछ नहीं देखे हुए, बताइए आपके सामने ही चल रहा है इस समय। सर ये स्विंग ट्रेड के लिए चाहिए फॉर्मूला, मतलब या फिर इंट्राडे के लिए भी, किसी के लिए भी? मैं तो सबके लिए बताता हूँ आपको, सबके लिए सर। अगर 200 क्रॉस कर दिया तो सर स्विंग ट्रेडिंग होता है ना सर? हो गया स्विंग ट्रेडिंग, आप बताइए 200 के बाद आपका स्विंग ट्रेडिंग मिल गई है सर? स्मॉल टाइम फ्रेम इंट्राडे जब आपको चाहे। अच्छा चलिए इसी को ही देखो, मैं देख नहीं रहा हूँ मेरा फायदा नुकसान क्या है, छोड़ दिया मैंने, और कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया हुआ है, मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि जब इसको जरा ऐसे समझते हैं,
जाने दीजिए लॉस जो होगा वो मैं देख लूंगा अपने आप, पर लॉस देगा नहीं है। इसने देखिए जब पहला ये सेलिंग चल रही थी ना इसकी पूरी, राइट, सेलिंग थी पूरी। अब जब इसने पहला क्रॉस किया अपने इसको, इसका मतलब इसने बाय का सिम्टम उठाया है कि नहीं उठाया, राइट। फिर अब दूसरा भी क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब ये बाइंग साइड में जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा ये कहां तक आएगा, यहां तक नीचे तक, ये जगह है इसकी, यहां तक ये सेलिंग ले लेगा अभी, और फिर यहां से उठ के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, राइट और रॉस। अभी ये बैठे हैं, ये देखिए, आने दीजिए इसको नीचे, यहां तक आएगा ये नीचे। मतलब अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज आप यहां से कर सकते हैं, आराम से चलने दीजिए, स्टॉक का मूवमेंट है, ये मूवमेंट के हिसाब से उसको चलने दीजिए ऊपर। मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं, देखिए ये भी बाय साइड में चल रहा है और मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं अभी, बिल्कुल भी नुकसान चल रहा है, इसको चलने दीजिए, ये आपको लॉस पूरा कर देगा। देखिए ये रहा लॉस, राइट, मैं इसको नहीं हटा रहा, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं। देखिए सिल्वर अभी मैंने लिया था, इसको मेरे को पता है ये ऊपर जाएगा, इसने ऊपर जाना है, और इसका भी मैं नीचे आएगा तो इसका एवरेज करूंगा। देखिए आपके सामने चल रहा है ये लॉस, देखिए, लेकिन मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, मुझे पता है ये बहुत अच्छी जगह है अभी इसकी बाय की। चलिए और देखते हैं कोई स्टॉक, ठीक है, चलने देते हैं उसको। मैंने बोला टाइटन और टेकन, जरा मैं इसको देख लेता हूं, शायद स्कैन में मेरे कुछ और भी आ गए हो तो। टाइटन और टेकन दो और देख लेते हैं, चलने देते हैं इसको, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखिए पड़ा हुआ है ये, ठीक है। एक करते हैं टाइटन और एक देते हैं टेकन, ये टाइटन, टाइटन क्या बाय में आ गया, मेरे को बताएं जरा। यस, क्या हुआ यहां पर, यस क्या हुआ यहां पर जरा बताएं मेरे को, क्या कर रहा है टाइटन, क्या सेल में चला गया, पहला क्वेश्चन तो ये बताइए, सेल में चला गया, अभी नहीं गया, देखिए अभी नहीं गया, बीच में फंसा हुआ है, अभी बीच में फंसा हुआ है इसको, अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर। और कौन सा, टेकम, एक और देखते हैं टेकम, आने दीजिए, ये टेकम क्या कर रहा है बताएं, यहां पर टेकम भी बीच में फंसा हुआ है, अभी बाय निकाली नहीं है इसने अपनी, आने दीजिए एक बार और बाय पर इसको, अभी एक बाय इसने पकड़ी है, अभी गया नहीं है बाय पे, इसको टेकम को भी आप रख सकते हैं लेकिन इसके ऊपर बाय में रखें। अब इसके साथ में हम एक चीज और ले जाते हैं कि अगर मैं इसी को ही वन आर के बजाय वन डे पर रख लूं तो क्या होगा, यस हो सकता है वन डे, अगर मैंने इसे वन डे कर दिया और अब मैंने स्कैन कर दिया तो मेरे को क्या मिलेंगे, कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है, देखिए अभी यहां पर कोई स्टॉक ऐसी जगह पे आ ही नहीं रहे हैं। जब मैं इसको चेक करता हूं, मैंने बोला कि ठीक है अब मैं इसको 15 मिनट्स में लेके जाता हूं, पूरा सेम सिनेरियो 15 मिनट, अभी मैंने इसको एक दो कंडीशन और नहीं डाली है, उसको भी मैं डालने वाला हूं, देखिए इस पे भी अभी नहीं मिल रहे आपको, एक घंटे में केवल तीन स्टॉक थे और वो आपको कोई स्टॉक अभी नहीं मिल रहे हैं। अब मैं ले जा रहा हूं इसे 5 मिनट पे, देखते 5 मिनट पे क्या कर रहा है, कितने स्टॉक मिले आपको 5 मिनट पे, राइट, रियल टाइम डाटा चल रहा है या पूरा, आप समझ लीजिए, ये देखते हैं कि क्या कर रहा है एचडीएफसी बैंक, देखते हैं एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को देखते हैं एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, ये रहा एचडीएफसी बैंक, और इसको मैं 5 मिनट में लेके जा रहा हूं, नहीं 5 मिनट ही लिया था ना मैंने, हाँ यस 5 मिनट ही है। अब देखिए कहां पर चल रहा है इस समय बताएं, डाटा पहले तो ये बताइए कि आपको डाटा एक्यूरेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भाई ठीक है डाटा क्या आपको एक्यूरेट दे रहा है, क्यों राजू जी मिल रहा है आपको डाटा एक्यूरेट, पहले तो देखिए हमने क्या बोला, हमने यही पर ही बोला। अब मैं इसके साथ में एक कंडीशन और लगा दे रहा हूं, अगर आप कंडीशन समझिए मैं क्या लगा रहा हूं, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि मेरा जो क्लोज है, समझते रहिए, मेरा जो क्लोज है कितना होना चाहिए, हायर देन होना चाहिए, और यहां पर मैंने इशिमोकू क्लाउड लगा दिया, अब ये क्या कहानी हो गई, ये क्या कहानी हो गई जरा बताएं। अब मैंने रन स्कैन किया, रन पे मेरे को अभी कोई भी नहीं मिल रहा है, देखिए 5 मिनट में मेरे को कोई नहीं मिल रहा है यहां पर, ये 5 मिनट में एक भी स्टॉक मेरे को इसके ऊपर नहीं मिल रहा है,
जरा एक घंटे में चेक कर लेते हैं, एक घंटे में कोई स्टॉक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये स्कैनिंग चल रही है सिंपल, 1 आवर की स्कैन और मैंने स्कैन कर दिया। क्लोज इज हायर देन यस, ये दो मिल रहे हैं आपको, देखिए स्टॉक नेस्ले इंडिया और हिंदू यूनिलीवर। जरा इनको चेक करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या किया मैंने। ये देखिए अभी चल रहा है, ये बाय नहीं है, सेलिंग में भी आया नहीं है स्टॉक। देख लेते हैं हमारे स्टॉक में कितने में नुकसान दे दिया, बताएं कितना नुकसान दे दिया इसने हिंदू यूनिलीवर ने, बताएं जरा, बहुत ज्यादा दे दिया। आप ही बताएं, मैं रख के छोड़ के बैठा हूं इसको, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको हटा दिया, लॉस दिख रहा है मेरे को मैंने हटा दिया, सामने बैठा हूं देखिए पूरा इसको, देखिए घंटे भर में क्या कर रहा है, ये देखिए कितना नीचे चला गया, यही बैठा है ना ये। मैं इसको हटा तो नहीं रहा हूं क्योंकि अभी बाय साइड में है, अभी सेल साइड में है ही नहीं है। सेल साइड में होगा तो मैं इसको हटाऊंगा, अभी नहीं है। और मैं इसको नीचे आने पर एक एवरेज करूंगा यहां कहीं पर नीचे, अभी भी अगर ऐसा स्टॉक आपका फंसे तो आप उसे एवरेज करें। ये देखिए मैं आराम से बैठा हूं, मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं अभी। अब देखने की कोशिश करते हैं, देखिए इस पर हमारे जो स्टॉक मिले हैं, पहला मिला है हिंदू यूनिलीवर। अब हिंदू यूनिलीवर पे को 1 आवर पे मैंने क्या किया, यहां पर अपना क्लाउड भी साथ में लगा दिया। यहां से समझते जाइए, ये मैंने यहां पर क्लाउड लगा दिया साथ में, मेरा क्लाउड कहां गया, ये रहा। अब ये क्लाउड को मैंने क्या किया, मैंने सारे हटा दिए, ये देखिए ये मैंने सारे हटा चुका, ये भी हटा चुका, डन। अब देखिए क्लाउड से ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट और रॉन्ग, चल रहा है, चल रहा है सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ। मतलब हमारी एक कंडीशन और ट्रू हुई, हमने हमारी एक कंडीशन और मेरे को ट्रू मिल गई। अब मेरे को एक काम और भी करना है इसमें, और वो बहुत जरूरी काम है। और वो क्या, अब पहले देख लेते हमारा भी नुकसान कितना हो गया, अभी देख नुकसान भी चेक करते जाइए। ये अभी 112 रुपए का मैं नुकसान दिखा रहा, देखिए आपके सामने 95 रुपीज चल रहा है, लेके रखे हुए हैं मैंने, लेकिन डर मेरे को इसलिए नहीं है अभी क्योंकि मैं 700 रुपीज का लॉस कर सकता हूं लगभग। मेरे को पता है कि उतना मैं अभी मेरे पास कैपेसिटी है 700 की लॉस करने की इसमें, और मैं इसमें हिंदू यूनिलीवर में बैठा हूं। देखिए इसको मैं होल्डिंग पे डाल रहा हूं, ये मैंने होल्डिंग पे डाल दिया है उठा के, देखिए कहां तक जाता है ये। अब इसके साथ में मैंने एक कंडीशन और डाल दी कि मेरी जो आरएसआई है, आरएसआई कितनी होनी चाहिए, यह जल्दी से बताएं, ये जो जिन लोगों ने मेरे साथ अभी 60 सर, नहीं, अगर ऊपर चली जाएगी, 60 ऊपर चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी सर, 20 आरएसआई हायर देन होनी चाहिए अराउंड 50-55 राइट, 55 से ज्यादा हो। और एक और कंडीशन डालिए, और आरएसआई कितनी होनी चाहिए, लेस देन 60, यस ये होनी चाहिए, लेस देन, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, लोअर देन या लेस देन, एक मिनट, ये होनी चाहिए लोअर देन कितना 60। अब 60 से ऊपर निकल जाएगी तो आपको कोई काम ही नहीं है ना, फिर मेरे को तो ऐसी चाहिए जो निकलने वाली है, राइट हो गया सर। थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, ये आपके पास अब एक कंडीशन बन गई है पूरी, हमने स्कैनर के लिए कंडीशन बना दी है पूरी, अपनी स्कैनर की कंडीशन मैंने डिफाइन कर दी, चाहे तो वॉल्यूम भी साथ में ले ले सर। ये आरएसआई आपने, आरएसआई आपने हायर भी लगाया सर, लोअर भी लगाया, मतलब समझ नहीं आया सर ये थोड़ा, इसको जरा चेक करते हैं, देखते हैं जरा आरएसआई को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर ही। अब ये मैंने यहाँ पर आरएसआई ले लेता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए, कंडीशन चेक कर रहे हैं, सिंपल कंडीशंस है हमारी, कंडीशंस ये मेरी आरएसआई है, और आरएसआई सपोज मैंने ले लिया 60-40, जो मेरा अपना फेवरेट है 60-40, ये मैं 60-40 ले रहा हूं, और 60 मैंने कर दिया ग्रीन और 40 मैंने कर दिया रेड, ठीक है, और मैंने अब इसको ले लिया। अब जरा मेरे को ये बताइए, जब बाय आई, मेरी बाय कब आई, ये आई ना एग्जैक्टली यहां पर आई ना राइट, जब ये मेरी बाय आनी शुरू हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, यहां पर मेरी बाय आ चुकी थी, अगर मैं यहां पर लेता तो ऊपर जाने में कोई इश्यू होता, मैंने इसकी जगह पर लिया कहीं नीचे, जब निकलने वाला है, निकलने वाला का मतलब 55 और 60 के बीच में होनी चाहिए,
मतलब निकलने टूटने वाला है बिल्कुल। तो मैंने इसको 55 और 60 के बीच में लिया, राइट, समझ में आया, जब निकलने वाला हुआ ये, तो मेरी वो जगह कौन सी होगी 60 के ऊपर। तो अच्छा एक बार बताइए, अगर मैंने ग्रेटर देन 60 किया तो सारा आ गया ना यहाँ तक भी, सारा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया 55 और 60 के बीच का ले लिया कहीं पर, उसके सर आरएस की सेटिंग क्या है सर? 14 ईयर, 14 मत करिए इसे 10 करिए। अच्छा 14 मत करिए इसे 10 करिए जरा आरएस सही है 10-0 फायदा रहेगा। 10 करिए, 10 आपका ज्यादा सूट करेगा आपको, ये 14 सूट नहीं करेगा, 14 उसके साथ मैच नहीं होगा। मैंने इसको अब स्कैन किया, कौन सा आ रहा है मेरा इसके केस में बताएं जरा? नेस्ले इंडिया, सिंगल वन नेस्ले इंडिया। अब जरा मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए नेस्ले इंडिया क्या कर रहा है, चलते जरा नेस्ले इंडिया की तरफ को, ये देखिए आगे नीचे, और मैं इसको कर रहा हूँ नेस्ले इंडिया। अब नेस्ले इंडिया को देखते हैं इसकी आरएसआई की आपको क्या बोल रही है। देखिए अगर हमने इसे सही तरीके से पकड़ा होता तो हमें और प्रॉफिट दे सकता था, ये लॉस भी हमारा कवर कर सकता था, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा लॉस वैसे ही कवर हो गया था। ठीक है, तो मैंने इसको 60-40 ले लिया, दोबारा देखिए 60-40, और इसको कर दिया ग्रीन और इसको कर दिया रेड, ये रेड और ये ग्रीन। ठीक है, और इसको कर दिया 10 और इसको कर दिया 10। आप बताइए कहां पर मिल रहा है आपको आरएसआई, कहां मिल रही है? देखते हैं, ये हमने 1 आवर पे लगा रहा है, नहीं एक मिनट में देख लेते हैं। हाँ सर, ये 60 से नीचे और 55 से ऊपर है, 1 आवर में ले रखा है मैंने, 1 आवर में। अब बताइए इसको मैं 1 आवर में लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये कहां पर है बताइए इस समय? 58 देख रहे, सही पोजीशन पे मूव कर रही है कि नहीं कर रही है बताए, राइट? यस सर। मतलब आपने कंडीशन डिफाइन कर दिए कि कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने अपना बाय एसएल लेना है। ये मेरी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपना बाय एसएल ले सकता हूँ पूरा, और ये स्ट्रीक का अपना बाय एसएल है, देखिए ये पूरा मैंने लगा दिया, ये आपका स्कैनर आ गया, आपका पूरा स्कैनर बन गया। चाहो तो इसके साथ आप वॉल्यूम भी ले सकते हो, इसके साथ में वॉल्यूम ले सकते हो कि अगर आप चाहो तो इसके साथ वॉल्यूम ऐड कर दो। वॉल्यूम कितना होना चाहिए बताए? यस वॉल्यूम 20 वॉल्यूम, आप बताएं कितना डालूं मैं वॉल्यूम, उतना ही डाल देता हूं मैं 20 सर। वॉल्यूम हायर देन कितना डाल दूं बोलो? 20 डाला सर। 20 कितना बताएं? 20 ओनली सर, वॉल्यूम का चेंज होना चाहिए ना सर, कि वॉल्यूम से हो जाएगा। क्या डालू जल्दी से बताए, सोचिए दिमाग के थोड़े से घोड़े दौड़ाए। यस जल्दी से बताएं, एक कंडीशन मैंने छोड़ दी आपके लिए, ये कंडीशन आपको डालनी है, डालने को मैं ही डाल दूं, मैं इतनी सारी डाल दूं, एक और डाल सकता हूं, ये कंडीशन आपको डालनी है। मैंने पूरा स्कैनर आपको बना के दिखाया है, ये वॉल्यूम वाली कंडीशन आप अपने हिसाब से मेरे को डाल के दिखाएंगे कि वॉल्यूम कितना होगा, माइक थोड़ा सा बंद करें, किसी का माइक चल रहा है ये, प्लीज माइक बंद कर ले। वॉल्यूम की कंडीशन मैंने छोड़ दी है, वॉल्यूम एक कंडीशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वॉल्यूम कितना रखूंगा मैं, वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम डिजिट में होना चाहिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वॉल्यूम डिजिट में होना चाहिए कि मूविंग एवरेज के बेस पर होना चाहिए वॉल्यूम? दो आपके आंसर है, या तो आपका वॉल्यूम डिजिट के बेस पर होगा या वॉल्यूम मूविंग एवरेज के बेस पर होगा, आप ये चेक कीजिए कि आपको क्या रखना है, ये आपका है एक बार, ठीक है, चेक करते हैं अभी जरा। अब मैं चेक करने की कोशिश करता हूं, देखिए नेस्ले इंडिया अभी बाय में ही चल रहा है, अगर आप उसे बाय में रखेंगे तो बाय में आ जाएगा। हिंदू यूनिलीवर देखिए अभी डाउन पे आया, और मैंने इसको हटाया नहीं है, देखिए ये हटाया नहीं है, मैंने इसको रख के बैठा हूं आराम से तसल्ली से,
अभी भी ये बाय नहीं गया, अभी भी ये सेल में नहीं गया, एक यहाँ से अपना एक नीचे से कहीं से बाय उठाएगा, तो नीचे से मैं फिर से इसका एवरेज करूंगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहाँ से एवरेज करूंगा और मैं रख के बैठा हूँ, इसको मैंने हटाया नहीं अभी, आराम से रख के बैठे, देखते हैं कहां तक जाता है ये अभी, ठीक है। तो ये तरीके हैं सिंपल जिससे हम काम कर सकते हैं, स्टीक का ये है। और मैं अगर इसको देखना चाहता हूँ, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, मैं 5 मिनट में देखता हूँ, 5 मिनट में शायद मेरे को कोई मिल जाए यहाँ पर, 5 मिनट में बाय मेरे को कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पर, नहीं। अच्छा, क्या मेरे को सेल मिलेंगे? चलिए, क्या मेरे को सेल मिल सकते हैं ये बताएं, अगर बाय नहीं मिल रहे तो मेरे को सेल मिल सकते हैं, सेल के लिए क्या करूं मैं? यस, जरा सेल के लिए बताएं, लोअर देन कर दूं, ठीक है, इन सबको मैं लोअर देन कर दूं, राइट सर? हाँ जी, ये क्या है कि जो ये जो फ्री वाला जो स्कैनर है ना सर, ये आपको 7-8 बार ही स्कैन करने देता है, उसके बाद ये ब्लॉक कर देते हैं। कोई बात नहीं, ये पेड होगा, मेरे को पता है। हाँ, क्योंकि आई वॉज डूइंग इट, नहीं मैं कर रहा था, तो वो उन्होंने मेरा ब्लॉक कर दिया है अभी। यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ टेस्टिंग, प्री ट्रायल। कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन देखिए, आपको तो पहला कंसेप्ट करने साहब ये है कि आपको बनाना आना चाहिए, अगर आपको बनाना आ गया तो फिर तो कोई भी स्कैनर आप यूज कर सकते हो ना, क्यों? राइट। बनाना आ गया तो फिर उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि स्पीक है या आपका चार्टिंग है या क्या है, किसी पे भी बना सर। जो मैंने अभी जो ये करके आज पूरा दिन मैंने जो सुबह से अभी तक किया है, उसमें जो ये हमारी जो फर्स्ट 3 conditions हैं जो हमने डाली हुई है, इसके ऊपर सबसे सही स्कैनर काम करता है सर, मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि RSI और जब हम जैसे ये डालते हैं तो इसमें स्टॉक्स की लिमिटेशन बहुत हो जाती है, और ये वाला जो फर्स्ट आपने क्लोज कौन सा डाला है, कौन सी कंडीशन डाली है सर ये आपने, कौन सी वाली, ये चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन क्या है सर? ये कैंडल होगी, क्लोज वाली कैंडल होगी, कैंडल शुड क्लोज हायर देन दी मूविंग एवरेज एंड क्लोज लोअर देन दी चीमोकु क्लब। मैं सेलिंग, मैं देखिए यहाँ पर सेलिंग ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, और ये मैंने अब लिया है RSI, RSI आपका सेलिंग के केस में कितनी होनी चाहिए बताएं, जल्दी से बताएं, 45। यस, लोअर देन, इसको करेंगे लोअर देन, लोअर देन, अब देखते हैं इसको कर रहे हैं, लोअर देन कितना होने चाहिए, अराउंड 45, ठीक है, इसको मैंने किया 45 सर, 40 के नीचे तो हम सेलिंग मान लेते हैं ना, तो उससे पहले चाहिए होगा सर। हाँ तो मैं 45 ले रहा हूँ ना, 45 लोअर सर, लोअर देन 40 नहीं होना चाहिए सर, क्या हुआ सर, लोअर देन 40 नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं 40 के नीचे तो सेलिंग ही आ गई ना, क्या समझे? अच्छा, अबव 40 होना चाहिए सर, या तो हम लिखें अबव 35, ये ऐसे नहीं, ऐसे सोचिए, ये आपका स्टॉप चला, ये आपका कितना, ये 40 है, ये 40 है ना सर, इसका मतलब हाँ, तो इसके ऊपर कितने मिलना चाहिए, 45 और 40 के बीच में मिलना चाहिए कि मुझे कि नहीं, अगर सेलिंग में जा रहा है तो ओके, नहीं ठीक है ठीक है, मैं मैंने 45 से नीचे कर दिया तो ऑलरेडी सेलिंग आ गई, हाँ राइट, मेरे को 40 के बीच में चाहिए, राइट। RSI लोअर देन कितना होना चाहिए, 45 राइट, RSI 45 से होनी चाहिए, लोअर देन 45, RSI ग्रेटर देन कितना, 40 राइट और राउंड सर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए सर, स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, पहले चला के देख लेते हैं, पहले चला के देख लेते हैं कि हम स्कैनर को हमारा काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, इसमें क्या पता कुछ गड़बड़ हो, अभी देखिए कहीं पर कुछ गड़बड़ है इसमें, सर ये लास्ट, सर ये लोअर देन लिखा हुआ है सर आपने दोनों RSI में, हायर देन लिखा, ये हायर देन आए नहीं, ये आपका 45 जो होगा लोअर देन 45 एंड हायर देन, यहाँ पर हायर देन आएगा, नीचे हायर देन आएगा ना सर, हाँ ये आएगा हायर देन, राइट डाउन कीजिए सर, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते,
या श्योर, अभी चेक कर लिया हमारी कंडीशन में कुछ गड़बड़ है, पहले चेक कर लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज 20 जो है वो आपका लोअर देन होना चाहिए मूविंग एवरेज 50 के। ठीक है, ठीक है, मूविंग एवरेज जो आपका 20 है वो लोअर देन होना चाहिए 100 के, बिल्कुल सही है। मूविंग एवरेज 20 जो होना चाहिए हायर देन होना चाहिए मूविंग एवरेज 200 के, क्लियर है। और जो क्लोज है वो आपका होना चाहिए हायर देन मूविंग एवरेज 200 के, राइट। तीसरी लाइन में गड़बड़ नहीं हो गई, वो हायर देन लिखा हो गया 200 वाले के नीचे। नहीं नहीं ये सही है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है? अच्छा समझते हैं, देखिए समझने की कोशिश, इसको पता क्या कीजिए, जब आप स्कैनर बनाते हैं ना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मैंने स्कैनर बनाया ना राइट, इसको जरा आप इनके हिसाब से जरूर टेस्ट करें यहाँ के हिसाब से। ठीक है, आप देखिए मैं सेलिंग की पोजिशन को निकाल दीजिए, कोई भी सेलिंग की पोजिशन निकाल दीजिए, ये मैंने सेलिंग की पोजिशन निकाली राइट, सेलिंग है नहीं मेरी, मैं एक बार को क्लाउड भी हटा देता हूं, जरा आप चेक करिए सेलिंग की कंडीशन कौन कौन सी है और इसके हिसाब से कंडीशंस को देखते हुए तब अपनी वहां कंडीशन डालें। देखिए 20 क्रॉस करेगा 50 को राइट, 20 क्रॉस करेगा 100 को राइट, हम ये यहां पर पोजीशन ढूंढ रहे हैं कि नहीं राइट, इस जगह पर मेरी कैंडल कहां पर होनी चाहिए, इसके ऊपर ना 200 के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे आते हुए हमें ये कंडीशन ढूंढनी है। हाँ जी, इसका मतलब ढूंढ रहा हूँ ना मैं, तो सेल की कंडीशन ढूंढ रहा हूँ, तो ऊपर से नीचे आते हुए कैंडल कहां पर होनी चाहिए 200 के ऊपर ना यहाँ पर, तो मेरी कंडीशन क्या बनी है, देखिए मैंने क्या बोला, मेरा क्लोज जो होना चाहिए वो हायर देन होना चाहिए किससे, 200 के ऊपर, 200 के ऊपर होना चाहिए ना हायर, राइट और मैं एक बार को ये इसी मुख्य की कंडीशन डाल देता हूँ, एक बार को चलिए मैं आरएसआई की भी कंडीशन डाली, अब जरा चेक करके देखते हैं कि हमारी सेलिंग की कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही, राइट और कौन सा स्टॉक दे रहा हमें अभी, अल्ट्राटेक सीमेंट कितने टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में राइट, देखिए जरा अल्ट्राटेक सीमेंट क्या बोल रहा है। सर इसको 3 मिनट पे लगाओ तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। नहीं ठीक है, उसका पहले देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इसका नहीं, कलर साहब पता है बहुत छोटा टाइम फ्रेम हमें नहीं करना। सर इसका बेस्ट टाइम कौन सा है सर? हाँ जी, बेस्ट टाइम कौन सा है सर? बेस्ट टाइम 1 आवर, बेस्ट टाइम 1 आवर। अभी देखो इस समय क्या कर रहा है, ये असल में देखो एक बात समझने की कोशिश करना, ये इस समय कर क्या रहा है, इस समय हमें 5 मिनट में, मैं 5 मिनट में आपको क्यों मना करता हूँ, देखिए 5 मिनट में ही आपका सेलिंग की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है बच्चा, राइट और रॉन्ग? यस सर। लेकिन आपको 1 आवर में क्या दिखाई दे रहा है, 1 आवर में आपको पता ही है, देखिए इसके ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं सर, तो ऐसा हो सकता है कि आप गलती से यहां सेल कर दो, गैलिंग में पॉइंट। अब देखिए यहां पर आपका ये बाय ले रहा है कि नहीं ले रहा, 60-72 यहां से बाय उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहां से बाय ले गया 1%, देखिए चेक करिए, अगर यहां से बाय ले गया तो ऊपर ले जाएगा इसको, चेक करिए यहां पर, चेक करने की कोशिश करते हैं, अगर यहां से ऊपर चला और ये सपोर्ट ले गया तो यहां से आपको बाय लेके चला जाएगा, देखिए वेट कीजिए, यहां पर वेट कीजिए क्या कर रहा है, अगर यहां पर कैंडल ध्यान से चेक करिए, अगर नेक्स्ट वाली कैंडल इसके नीचे खुल गई राइट, अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे खुल गई तो फिर यहां तक का सेल ले लेगा, फर्स्ट टारगेट, अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले गया तो ऊपर जाएगा सर, अब ऊपर चला जाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, देखिए इस समय कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, केवल वेट कर रहा हूँ, और ये 200 के ऊपर अगर सपोर्ट ले गया तो इसका टारगेट कौन सा होगा, इसका टारगेट आपको यहां से मिलेगा, पहला वाला यहां तक राइट, सेकेंड वाला यहां तक राइट, अभी हालांकि सेलिंग की कंडीशन है, सारी सेलिंग की कंडीशन है, सेल ही होना है इसको, क्योंकि देखिए ऊपर से पूरी हमारी सेलिंग की कंडीशन बनती आ रही है, बाय नहीं है ठीक है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे कि इसके ऊपर कहीं सपोर्ट ना ले जाए राइट। चलते हैं आगे, देखिए अब मैं और देखने की कोशिश करता हूं, ये मैंने अपनी सेलिंग की कंडीशन डाल दी है और मैं इसके साथ अब क्लाउड, अगर मैं क्लाउड यहां पर डाल देता तो मेरे को क्या बोलता, देखिए राइट, हम यहां पर क्लाउड भी डाल देते हैं, ये मैंने इशिमोकु क्लाउड भी डाल दिया, और इशिमोकु क्लाउड आपको क्या बोल रहा है जरा बता दें, सेलिंग बोल रहा है बाइंग बोल रहा है, सेलिंग बोल रहा है आगे नीचे, अब यहां से आप चाहो तो सेलिंग करके छोड़
सेलिंग करके, आप छोड़िए देखिए क्या होता है भाई, नुकसान ही तो देगा और ज्यादा क्या कर देगा, नुकसान देगा ना आपको, ये देखिए मैंने सेल करके छोड़ दिया, नुकसान दे देगा ना मेरे को किसके सर, कहां तक का टारगेट आता है सर वो? हाँ जी, ये कैंडल का बॉटम तक आता है सर? बॉटम तक आएगा कम से कम। अब मैंने इसके ऊपर देखिए नुकसान दे सकता है ऐसी बात नहीं, लेकिन आप ट्रेडिंग तो करना सीखिए। 82 और 92, 92 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया, 92 पे कितना नुकसान दे दिया बताइए इसने मेरे को अभी। मैंने एग्जिट किया 92 पे, मैंने अपने स्टॉप लॉस रख दिया, 82 है और ये मैंने 92 कर दिया, मतलब 250 रुपए का मेरे को नुकसान दे सकता है ये। 92 पे मैंने इसको एसएल करके छोड़ दिया, देखिए चल रहा है अभी नीचे, हटाया नहीं मैंने इसको, पड़ा हुआ ये। अभी इसका टारगेट कहां तक होना चाहिए? कम से कम यहां तक 70 तक तो होगा ही होगा बताए, मतलब मेरे को इसका टारगेट कितना लेना चाहिए? 70, ये लिमिट होगी मेरे टारगेट की। अब जाएगा नीचे तो दे देगा, नहीं होगा तो मेरे को नुकसान दे देगा, इतना क्या फर्क पड़ना। लेकिन मेरी कंडीशन तो ओके चल रही है कि नहीं बताए, तो ये बताए क्या मेरी कंडीशन ओके है कि नहीं है ये बताए सबसे पहले, तो देखते हैं। आपके सामने ही चल रहा है ये पूरा, भी 200 के नीचे अभी अभी गिरा है ये, और अगर इसके नीचे चलेगा तो मेरे को ये एक प्रॉफिट देगा, ऊपर जाएगा तो नुकसान दे जाएगा। मैंने इसमें कोई अलग से वो नहीं लगाया, बायस अलग भी नहीं चेक किया, मैंने कुछ नहीं चेक किया इसका। मैंने बोला ना जितना पैसा मेरे को मिलेगा मार्केट लेके चला जाएगा, मेरे को फर्क भी उससे नहीं पड़ता, क्योंकि ये केवल दिखाने के लिए मैं आपको काम करता हूं। पर फिर भी मैंने 200 के नीचे अपना एक सेल डाल के छोड़ दिया है, पता नहीं कहां जाएगा, वेट करते हैं कहां तक जाता है ये। नीचे 70 तक नीचे आ सकता है, 70 का मैं टारगेट लगा दिया, तो 70 तक नीचे आएगा तो मेरे को टारगेट देगा। अच्छा मेरे को क्लाउड बोल रहा है कि मैं बाइंग करूं अभी, मेरे को ये बताए राइट और रॉन्ग? अल्ट्राटेक सीमेंट है, बड़ा स्टॉक है, छोटा मोटा स्टॉक नहीं है कि 200-300 का स्टॉक है, 6000 का स्टॉक है देखिए पूरा, राइट और रॉन्ग? 6000 का स्टॉक है, मैं आराम से स्टॉक को सेल करके बैठा हूं, मेरे को पता है नुकसान भी दे सकता है, मेरे को कोई इशू नहीं है। आपके सामने चल रहा है ये, नीचे आएगा, नीचे आएगा आप इसको आप पार्टली भी सेल करके छोड़ सकते हैं, ये देखिए चल रहा है नीचे, जितना भी नीचे आएगा वो मेरे को अपना प्रॉफिट मेरा देके जाएगा, देखिए कितना दे रहा है मेरे को। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, गेटिंग माई पॉइंट? 70 से नीचे चलेगा तो मेरे को ये मेरा प्रॉफिट खत्म कर देगा। 70 चलते हैं 70.55, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ये मेरे को मेरा प्रॉफिट हटा देगा। सर टारगेट कितना हाफ कैंडल डाला सर? 70 डाला है मैंने, असल में 70 पे लूंगा तो मेरे साथ दिक्कत ये है कि 70 में लूंगा ना तो फिर मेरे को ये इशू कर जाएगा, देख रहे हैं? चला गया ऊपर पूरा, अभी सर भयंकर यस स्टॉप लॉस हटा दिए सर? नहीं स्टॉप लॉस नहीं रखा, क्यों हटाना है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाना, कोई इशू नहीं है, कटेगा कटने दीजिए उसको, मैं स्टॉप लॉस नहीं हटा रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट? उससे अच्छा आप एक काम करें कि 70 पे मैं इसको देखिए, इससे अच्छा आपके पास ये है कि 15 का टारगेट आप यहां पर 71 पे लगा के छोड़ दीजिए, देखिए नीचे जाएगा तो मेरा एक एक पार्ट तो काट देगा, उसका पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना सीखिए, देखिए 74 है ना, ठीक है आप इसका पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं बोलता हूं 10 क्वांटिटी मेरी कितने पे होनी चाहिए? 74 पे, 10 क्वांटिटी 74 पे मेरे को हटा देगा, चलने देते हैं देखिए, और बाकी मैंने नीचे लगा के छोड़े हैं। कभी अगर आपको ऐसा इशू आए कि नहीं आपको इशू आ रहा है तो आप हमेशा ऐसी जगह पर जाइए, देखिए 109 आपको लगता है कि नहीं आपको एक गड़बड़ कर सकता है तो ऐसी जगह पर आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको सही कर लीजिए, या टारगेट अपने में से आप बुक कर लीजिए प्रॉफिट, जैसा आपको अच्छा लगता है। ये देखिए 74.8 मैंने ये डाल रहा हूं, इसको देखिए वही पड़ा हुआ है स्टॉक। आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना आप करिए, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन डिपेंड इसको आप एक काम और भी कर सकते थे, देखिए अभी नीचे चलना शुरू हुआ है, ऊपर जा सकता है नीचे, देखिए एक ले गया मेरा टारगेट,
राइट और रॉन्ग ले गया 215 71 पे आ गया 71 पे हमने हट गए राइट और रॉन्ग राइट सब चले गए अब इसको हटा दें हम पोजीशन पे देख लेते हैं सब हट गए हमारे राइट और रॉन्ग हट गए अभी हमारे देखिए हिंदू लीवर हमने रखा हुआ है ये मैंने रख के रखा हुआ है हटाया नहीं है देखिए अभी तक भी मैंने इसको क्योंकि मैं इसे मेरे को पता है कि एक बाय की पोजीशन बना रहा है मेरे को देखिए सब है ना मैंने सिल्वर हटाया ना ये हटाया सिल्वर क्यों नहीं हटाया इसको भी बता दे रहा हूं देखिए और अभी और अच्छा देखे जा सकता है आपको ये जो अल्ट्राटेक सैम को है ये बड़ा अच्छा आपको देखे जा सकता है अभी ये देखिए जा रहे हैं अब बताइए पहले तो ये बताइए कि कंडीशन क्या खराब है मैं देख लेता हूं कोई ऑटो तो नहीं लगा हुआ मेरा नहीं है अब जरा मेरे को ये बताइए कि इसकी पोजीशन क्या खराब है सेलिंग के लिए बता दे राइट और रॉन्ग कहीं से भी आपको खराब दिख रही है अभी और सेलिंग आ सकती है इसकी अच्छी सेलिंग अभी और भी आ सकती है सर वैसे ये कहां तक जा सकता है मतलब जैसे अभी क्रॉस किया इसने एवरेज तो इसमें काफी बड़ी सेलिंग आनी चाहिए ऐसे तो इसकी सेलिंग जो आएगी वो यहां तक आ सकती है नीचे अच्छा 6400 तक की इसकी सेलिंग या फिर एक और सपोर्ट इसको बहुत अच्छा मिलता है यहां का ये रहा 6551 यहां तक की इसकी सेलिंग इसे आपको देखने को मिल सकती है अभी आराम से ये देखिए इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाइए और बड़े टाइम फ्रेम पे यहां पर बात कीजिए देखिए कौन सी जगह पर आपको मिल रहा है ये जगह या ये जगह ये 6532 अराउंड यहां पर एक इसकी बनती है और ऐसे भी छोड़िए आपका यहां से सेलिंग शुरू हुई ना यहां तक तो आ ही सकती है राइट और इससे एक और सेलिंग का मेथड है वो क्या है 60 से डाउन ये देखिए 60 से डाउन चल रहा ना बाय कब करना है 60 के ऊपर यहां पर बाय किया और जैसे ही ये नीचे जाने लगे यहां पड़ जाए ये आपका प्रॉफिट है देखिए यहां से पकड़िए इस जगह से प्रॉफिट यहीं से लगा लीजिए यहां से और कहां पर निकले आप यहां पर ये आपका प्रॉफिट रहता ये पूरा आपका प्रॉफिट पार्ट रहता नेस्ले इंडिया देखिए नेस्ले इंडिया मैंने हटाया तो नहीं देखिए अभी आपके सामने मैंने रख के बैठा हूं इसको अभी मैंने हटाया नहीं है देखिए पूरा रख के बैठा हूं मैं इसको अभी भी एक घंटे में चेक करिए ये एक घंटा है हटा दिया मैंने मेरे को नुकसान कितना दे दिया देखिए चल रहा है 287 का रख के बैठा हूं मैं इसको हटाया नहीं है मैं रख के आराम से रख के बैठा हूं तसली से मेरे को पता है ये कल या परसों के अंदर यहां से ऊपर निकला मिलेगा आपको निकल जाएगा क्योंकि बाएं साइड है अभी सेल साइड थोड़ा ना आगे इसकी ये सॉरी अल्ट्राटेक ये क्या नाम ये बोला कौन सा था वो हमारा हिंदू यूनिलीवर देखिए हिंदू यूनिलीवर क्या कर रहा है देखते हैं इसको कैसे कभी अगर ऐसे फंस जाए तो आप उस जगह पे क्या करेंगे ये देखिए ये आ रहा है हिंदू यूनिलीवर मेरे को कहां से इसे एवरेज करना चाहिए बताएं इसके पास से इनके आसपास से मेरे को एक एवरेज करना चाहिए 202 देखते हैं पास में क्या कर रहा है ये ठीक है ये जगह आपकी अच्छी है 202 के आसपास यहां पर देख लेते हैं इसको 151 228 नहीं अभी जगह नहीं है चेक कर लेते हैं हमारे सारे स्टॉक प्रॉपर आ गए कि नहीं आ गए यस ये मेरा 35 हो गया देखिए मैंने हिंदू यूनिलीवर को यहां से पकड़ के रख लिया है अभी और एवरेज करके छोड़ दिया है अब इसको जाने देते हैं और हमारे यहां पर टोटल जो स्टॉक्स हो गए हैं वो 35 हो गए हैं हिंदू यूनिलीवर के ये चल रहे हैं मेरे स्टॉक और प्रॉफिट भी चल रहा है अभी प्रॉफिट भी हमने करके देख लिया और वेट करेंगे अब कहां पर जाएगा इसको छोड़ देते हैं अभी 11 बज गए क्लास को मैं यहीं पर बंद करता हूं अभी क्योंकि दूसरी क्लास आ रही है मेरे पास अभी
डन, इसको छोड़े रहते हो, मैंने छोड़ दिया इसको, देखते हैं कहां पर जाएगा, बाद में सोचेंगे इसको कहां पर जाता है। सर डन क्या सर जी, स्टार्टिंग में मिस कर दिया ये भी।